हेलो एवरीवन दिस हैलो मास्टर मास्वीट मोहित रान कैसन बात तो अर्ली ओपी अर्ली ओपी आज मैंने सोचा सरप्राइज देते हैं आज थोड़ा पहले चले जाते तो कैसे हो सारे लोग कैसन बा अरे हालचाल तो बताओ हाँ जी एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ रही है आपके पॉपुलर डिमांड पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज देयर एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेशन आने वाला है आपका सबने देख लिया है हाजिरी बना लेंगे आई होप दैट आप ही के लिए आ रहा है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बार लव यू दोस्तों बनता है बिकॉज आपकी पॉपुलर डिमांड पे आपका दोस्त लेकर के आ रहा है जी नो you know? है ना यस yes? हाँ तो मेरे दोस्त आज जितने भी दोस्त हमारे आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें छोटू सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए दोस्त आपका कई सालों से पढ़ा रहा है ग्यारह वो एक्चुअली एक है और कई सारे अच्छे अच्छी रैंक बना चुके हैं आपका दोस्त इंक्लूडिंग सिंगल डिजिट रैंक और सर्टिफाइड बाय अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है

आप नोटिफिकेशन मिस कर जाते हो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर नोटिफिकेशन मिस मिस करके लाइव क्लास हो गई है ना तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने से बात नहीं बनेगी एंड आज का सेशन भी बहुत खतरनाक है आज हाइब्रिडाइजेशन सीखने वाले हैं फटाफट -पड़ हम थोड़ी देर में रिवाइज कर लेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ क्वेश्चन के थ्रू और चले आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पर सो गड़बड़ नहीं करना जाना नहीं कहीं पर मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना जितने भी नए दोस्त है अपने एंड इसलिए भी सब्सक्राइब करना है क्यों क्योंकि ऐसे बेहतरीन इंफॉर्मेटिव और बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले एरो स्पेस इंजीनियरिंग के जैसा और एरो स्पेस इंजीनियरिंग के अलावा भी आपको कुछ और जानना होगा तो बताते रहना बिकॉज आपको जो भी सेशन पसंद होगा वही सेशन तो हम लाएंगे है ना क्या हाल है दोस्त सुबह व्हाट्सअप वाट्सअप हिमांशु क्या हाल चाल है दोस्त आपके मजा <laughs> ये लगता है मेरे वाले चैनल पे देख लेते हो तुम लोग या इंस्टाग्राम पर देख लेते ना ओके दोस्तों सो आप मुझे बताओ फटाफट पड़ एक्साइटेड हो आ? और तरफ ये फैलाओ बताओ के आप जुड़े हो वेदांत की, की एलीट आर्मी हो आप, you know that, के हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर मास्टर टीचर का ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑलरेडी बहुत ही अच्छी अच्छी रैंक इंक्लूडिंग सिंगल डिजिट रैंक बनाने का सो वी आर आउटस्टैंडिंग इस मामले में हम दूसरों से काफी आगे हैं बनाने में एंड बात शेयर किया करो सो so दैट कि आपको भी पॉजिटिव एनर्जी आए और साथ 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 हमें भी मोटिवेशन मिले कि देखो हमारे आर्मी जो है वो खुश है कितनी खुश होती है ये जान करके कि बहुत ही अमेजिंग मास्टर टीचर के साथ वो जुड़ी हैं थोड़े से यहाँ पर सामने में चैट बॉक्स के नखरे चल रहे हैं वो चलते रहता है और मेरे दोस्तों शेयर करो वीडियो को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हो आप कहा है आपका जोश एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी तो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जानने वालों के साथ कि वेदांतों का लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डाउट सॉल्विंग है अमेजिंग मास्टर टीचर है पोस्ट क्लास कंटेंट बहुत धाकड़ है और सबसे बड़ा हथियार इसमें कौन सा आपका माइक्रो कोर्सेज मल्टीपल कोर्सेज सबसे बड़े हथियार होते हैं है ना रिसोर्सेज लेने में पीछे नहीं रहना दोस्तों अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल मत सोचो फटाफट ले डालो खुद भी ले डालो दोस्तों को भी बताओ बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है है ना और आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपसे बेटर कौन हो सकता है दूसरों को बताने में है ना यू नो यूनोश अच्छा ये क्या हो रहा है ये यहाँ पे दब रहा है तो ये यहाँ क्यों हो रहा है ये ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली जो बात है जो गोड बोड़ हो रही है अंशु सर आपका बैच कब स्टार्ट हो? अरे मेरा ट्वेंटी फर्स्ट से माय गॉड मंडे ट्वेंटी फर्स्ट स्टार्ट हो रहा जो कह रहे हैं इलेवंथ वाला डीपीपी नहीं खुल रही है एरर है पॉइंट टेक टेक टीम टीम प्लीज सी इन द चैट बॉक्स डीपीपी नहीं खुल रही है अक्षर जरा यही कमेंट आप यही लाइन ना कमेंट सेक्शन में लिख के जाना मेरे दोस्त मैं बात करूंगा टेक टीम से ऐसा क्या हो गया क्यों नहीं खुल रही है डीबीपी हा एंड मेरे दोस्तों प्रो सब्सक्रिप्शन के तीन अलग अलग सब्सक्रिप्शन है प्रो के लाइट क्लासिक एंड प्रो प्लस प्लस वाले में स्पेशली मेंटर मिलता है वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड के प्रो प्लस ले लो बिकॉज आपको आपको एक मेंटर मिलेगा जो कि आपको दो साल तक तीनों सब्जेक्ट में आपको गाइड करते रहेंगे वैसे आपका दोस्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है बट आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोफेशनल मेंटर मिलने वाले हैं आप इवन के प्रो लाइट ले सकते हो और ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मंथली ले सकते हो गारंटीड है मंथली लोगे उसके बाद आपको इतने फीचर्स दिखाई देंगे कि आप छोड़ोगे नहीं है ना एंड वी आर द ओनली वन गिव्स टू इंप्रूवमेंट प्रॉमिस ट्रांसपेरेंसी हमारी आपका प्यार हमारी मेहनत हम इतनी मजबूती से आपसे वादा कर सकते हैं कि अगर आप रेगुलर हमारे साथ चलते रहे प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़े रहे ये वीआईपी वाला ऑफर वैसे ज्यादा दिनों के लिए नहीं है अभी जब आप ले रहे हो प्रो तो अभी वीआईपी वाला ऑफर चल रहा है कि इंप्रूवमेंट गारंटीड है इंप्रूवमेंट नहीं पैसे वापस हमें वैसे इतना भरोसा है आपके प्यार पे हमारी मेहनत पे कि ये हो ही गई। अगर आप रेगुलर आओगे तो हो ही नहीं सकता कि प्रोग्रेस ना हो सो so, अपने दोस्त का कोड लगाओ और ले डालो फटाफट फ़ड़। अगर खुद अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरों के साथ शेयर करो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है तो बताओ और ये जरूर बताना साथ में कि दोस्त के कोड के साथ एडेड फीचर है क्या एडेड फीचर है अलग से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि टेलीग्राम को ऑप्टिमाइज करो और जितने भी दोस्त मुझसे डिस्कशन करते हैं जिनके मैसेजेस आते हैं जो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ सबको रिप्लाई करूँ सो so, एडेड फीचर है मेरे कोड के साथ कि आपको अलग से डिस्कशन का मौका मिलेगा टेलीग्राम आपका रूटीन था आई होप दैट के ये हम कहा पर हैं अच्छा यहां पहुंच चुके हैं ये रूटीन था रूटीन हमेशा साथ साथ फ्लैश करती है सो लेट्स गेट स्टार्टेड इज रेडी चलो सर काले सर के बैच में जाना है कब से स्टार्ट है मैं एक बार पूछ करके बताऊंगा एडवान ठीक है काली सर का बैच पूछना पड़ेगा मुझे इतना ध्यान नहीं है मुझे अपने बैच का ध्यान है वो मंडे से ओके okay, चलो लेट गेट स्टार्टेड यस 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 लव यू दोस्त एरो स्पेस अंकित एरो स्पेस का दीवाना कितने लोग हैं एरो स्पेस के बारे में सच में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है भाई आप ही लोगों की पॉपुलर डिमांड पर वो आ रहा है सेशन हाँ एक बार बोल दो भाई एरो स्पेस ओपी एरोस ओपी एरो ओपी, ओपी, मी 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 मैं ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड आज हम शुरुआत करेंगे कहां से कोबेलैंड बॉन्ड के सिग्मा और पाई बॉन्ड के टाइप से लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने ऑर्बिटल्स को लेकर के इस तरह से घमासान करवाया था हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बनता है पाई बॉन्ड बनता है राइट right? है ना तो चलो एक बार फटाफट -फड़ मुझे बताओ सिग्मा और पाई में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेरे दोस्तों कोई बताएगा मुझको सिग्मा और पाई में से कौन ज्यादा है, है। बता बनेगा, या पाई बनेगा इससे? जरा कोई देख करके मुझे बताएगा अगर मैं डीएक्स वाई को और पी एक्स को ओवरलैप कराऊंगा एक्स एक्सिस पर यह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स एक्सिस कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है जस्ट टू सी दैट बातें रिवाइज की हुई है या नहीं नॉन बॉन्डिंग ऑसम awesome. कोई भी बॉन्डी बनेगा बिकॉज यहां पर क्या है नोडल प्लेन है और नोडल प्लेन के साथ जब मर्जिंग होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तो कोई फायदा नहीं होता कोई बॉन्डिंग नहीं होती है ना सो नॉन बॉन्डिंग कंडीशन है परफेक्ट चलिए इतनी बात है तो आपको याद है अच्छी बात है अब ये कितने लोगों को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड से या एक्सियल से बनता है ये भी बात याद होगी यस yes. ये लिख दिया जाए सिग्मा ग्रेटर देन पाई अच्छा जब मैं ऐसा लिख रहा हूं सिग्मा ग्रेटर देन पाई तो ये क्या बता रहा है क्या ये बता रहा है स्ट्रेंथ को क्या ये बता रहा है बॉन्ड की एनर्जी को बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है दोस्तों बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है लेकिन बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी लेंथ उतनी छोटी होती है है ना और वाचिंग ज्यादा दिख रही है और लाइक्स कम दिख रहे हैं मोटिवेशन कैसे आएगा दोस्त को आपके एरो तो मैं लेकर आ रहा हूं लेकिन बदले में प्यार नहीं मिल रहा मुझको ऐसे कैसे प्यार मिल रहा है प्यार बढ़ाओ मोटिवेशन तुम्हारा प्यार ही मोटिवेशन है दोस्तों समझो तो लैटरल ओवरलैपिंग दैट मीन कि पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग कमजोर बॉन्ड बनेगा है ना बट ये बॉन्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वो यहां पर भी है आज तो बहुत मजेदार बात है सीखने वाले हो आगे बढ़ते हैं देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में क्या बताया गया फॉर्मड बाई एंड टू एंड ओवरलैप दैट मीन बाई

एस ऑर्बिटल्स है ये टू एस हो सकता है वन एस हो सकता है बट एस और एस ऑर्बिटल का ओवरलैप है कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल ऑलवेज एस ऑर्बिटल ऑलवेज अगर एस ऑर्बिटल आ गया दैट मींस ऑलवेज क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि एस ऑर्बिटल बेचारा साइड साइड ओवरलैपिंग जैसी कोई भी चीज एस ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल नहीं है वो स्फेरिकल होता है और डायरेक्शनलेस होता है है ना ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फिर से देखना एस और पी आ गया है। एक साइड एस दिख गया बस कहानी खत्म अब बॉन्ड नहीं बन सकता सिग्मा ही बनेगा ठीक है लेकिन जब पी और पी दिखाई देंगे तो पी और पी इस तरह से भी मर्ज कर सकते हैं हेड टू हेड है ना ये हेड ऑन है या फिर वो साइड बाय साइड भी मर्ज कर सकते हैं ये साइड बाय साइड है मींस क्या बना लेंगे पाई बना लेंगे करेक्ट जब जब तक एस ऑर्बिटल बिटल इन्वॉल्व है तब तक सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाली है करेक्ट है कितने लोगों ने सही बना लिया इसको तीनों तीनों सही सोच लिए थे आपने रिया रौनित आदेश तुम लोगों को क्या हो गया आजकल तुम लोग का वो चॉकलेट क्वेश्चन नहीं चल रहा है तुम लोग चॉकलेट वगैरह क्यों नहीं जीत रहे हो क्या हो क्या क्या तुम लोगों को आ? <laughs> चलो या एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल दिखाया गया है एस एस ओवरलैपिंग एग्जाम्पल है मर्ज कर गए मर्ज करने के बाद क्लाउड जो है वो ऐसा दिखाई देगा मर्स्ट क्लाउड और हाइड्रोजन के अंदर वही आप कह सकते हो कि दो हाइड्रोजन आइटम अगर आप लोगे तो एक हाइड्रोजन आइटम का वन एस और दूसरे हाइड्रोजन आइटम का वन एस ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं सही है नेक्स्ट अगर एस और पी में ओवरलैपिंग कराएंगे तो ऐसी ओवरलैपिंग से कुछ होगा क्या ऐसी ओवरलैपिंग से तो कुछ होगा नहीं अगर डायरेक्टली ऐसा कराएंगे तो कुछ ऐसा होगा तब बात बनेगी है ना तो अभी जो यहां पर जो बात बन रही है उसमें क्या दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बना और इसका एग्जाम्पल उठा करके बताया गया एच और एफ एच का उठाइए का कौन सा ऑर्बिटल आएगा F के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये होता है दोस्तों 2p5 तो सबसे बाहर वाला कौन सा है ये है ना 2p5 में भी देखना आप जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो देखो इस तरह से फिलिंग करते हो आप हंड्स रूल के अकॉर्डिंगली इस तरह से फिल करते जाते हो और फाइनली एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा 2p से 2P से आएगा और किससे ओवरलैप करेगा वन एस के साथ तो वन एस के साथ टू पी ऑर्बिटल फ्लोरिन का आएगा एस और पी ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा है ना HF के अंदर भी सिग्मा पाया जाएगा और उसको दिखाने का तरीका यह होता है अगर पी और पी की ओवरलैपिंग है तो यह वाली ओवरलैपिंग ऑब्वियसली क्या बनाएगी पाई बॉन्ड बनाएगी बट अभी जो है वो सिग्मा बॉन्ड वाला दिखाया जा रहा है और उसका एग्जाम्पल दिखाया गया एफ और एफ क्या सही है बिल्कुल सही है अभी हमने देखा था था और F के बीच में F जो था, वो ऑर्बिटल यूज करता है तो दूसरा वाला भी क्या यूज करेगा यूज करेगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में बच जाते हैं दोनों ओवरलैप कर लेंगे हेड टू हेड ओवरलैप करना प्रिफरेंस होगा अच्छा हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा कभी भी बिना सिग्मा बॉन्ड बने हुए पाई बॉन्ड नहीं बन सकता चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों से ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी थी पहले भी डिस्कस किया है हमने कि जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता जैसे हम बिना बोन्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकते भाई बोन्स रहना बहुत जरूरी है बॉडी में यस है ना टी आर कह रहा है छवि कह रही है अच्छा आज कितने लोग जो पहली बार पहली बार जुड़े हैं आज आज एक बार तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा शॉर्ट आउट हो जाए जो भी दोस्त हमारे आज पहली बार जुड़े हैं कितने लोग पहली बार जुड़े हैं क्लास में याद है एक एक आपको इंसिडेंस बताएं याद कराएं आपके क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट आता था तो याद है वो नया स्टूडेंट भी बेचारा सोचते रहता था अरे यार में नए क्लास में आ गया और आप लोग भी देखते रहते नया स्टूडेंट आया अजीब से नजरों से देखते थे <laughs> लेकिन हमेशा जो भी नए दोस्त जिंदगी में आए हमेशा स्वागत अच्छा कीजिए आपका पहला इंप्रेशन जो है वो जिंदगी भर याद रखा जाता है Aray, हम जान चुके बाबा कितनी बार बताओगे साइडवाइज ओवरलैपिंग से होता है अरे ऐसा डायग्राम तो देख लिया ना हमने देख लिया ना डायग्राम बस इसमें एक बार बतानी है देखिये जब भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी इस तरह से जब ओवरलैपिंग होती है तो नया जो पाई बॉन्ड बनकर तैयार होता है दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मर्जिंग से वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि बर्गर हो <laughs> ये बर्गर दिख रहा है और बर्गर के बीच में क्या डाला हुआ है कोई बताएगा मुझको पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग याद रखना बर्गर के जैसा दिखाई देता है बर्गर के बीच में आपको दिख रहा होगा स्लाइस दिख रही है ये स्लाइस? ये स्लाइस 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 किसकी है चीज वाली नहीं ये जो बर्गर है उसमें चीज वाली स्लाइस नहीं है ये एक्चुअली पता है क्या है ये स्लाइस स्लाइस कुछ नहीं है आपको बेवकूफ बना रही है एक्चुअली नॉडल प्लेन है नॉडल प्लेन है नॉडल प्लेन है ऊपर क्लाउड है और नीचे क्लाउड है और एक प्लेन पास कर रहा है यहां से एक बार कीजिए वहां से ऐसे भेजिए प्लेन देखिए प्लेन ऐसे पास कर रहा है, है ना सो दिस इज नॉर्डल प्लेन जी 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 सपोज दैट अगर ये पी वाई था और ये पी ये भी पी वाई था तो आप में से कौन है जो मुझे फटाफट बता सकता है जल्दी से दो रुपए का इनाम मिलेगा उन्हें जल्दी से बताइए नॉर्डल प्लेन का नाम फटाफट और इनाम छोटा बड़ा नहीं होता सरकारी इनाम

है ना मतलब स्कूल वालों का दिल ना टूटे बहुत सारे लोगों ने भी यूट्यूब पर भी ये काम किया मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया बट हमेशा मोल थोड़ा थोड़ा रुक करके पढ़ाना चाहिए सो so, दैट कि आप सा मेच्योर हो जाओ एक्स जेड बिल्कुल सही आंसर है जी किन्होने जीत लिया है जिन्होंने भी आंसर दिया उन्होंने ये तो जीता ही है दो रुपये साथ में दिल भी जीता है हमारा तो थैंक यू सो मच बताने के लिए अब ये क्वेश्चन कौन जीतने वाला है इनाम जरा सही बताइए तो तो वैसे आसान क्वेश्चन है हमने कर लिया था आपके साथ डिस्कस इस पे कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा आपको चलिए फटाफट -फड़ बस बता दीजिए बस आपको प्यार मिलेगा ढेर सारा द द फॉलोइंग लीड्स टू तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग की तरफ कौन जा रहा है क्या यहां बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर यहां पर नॉडल प्लेन है और क्लाउड और नॉडल प्लेन क्लाउड और नॉडल प्लेन इसके कॉम्बिनेशन से कुछ ना होबे और यहां देखिए प्लस माइनस साइन कुछ ना हो प्लस प्लस ओ यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड हो और यहां पे प्लस और माइनस कुछ ना हो है ना प्लस के साथ प्लस की ही मर्जिंग होती है क्योंकि ये साइन का आपको बता दिया था साइन का मीनिंग है कि अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम होने वाला है अगर साइन बदल गया तो फिर क्या होगा डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ही सब आप बोलेंगे सर प्लस और माइनस तो माइनस होता है अरे एकदम सही सोचे प्लस और माइनस जो है ना सब इज डिस्ट्रैक्शन मतलब हो जाएगा मतलब मतलब कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और construction है तो बॉन्ड मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है डिस्ट्रक्शन मतलब बॉन्ड टूट गए ला. और अगर माइनस माइनस होगा तो चलो कोई तो मुझे बताओ अगर ऐसा होता दोस्तों अगर मैंने ऐसा साइन दिखा दिया तो क्या होगा माइनस और माइनस कुछ होएगा अरे माइनस माइनस भी तो प्लस होएगा कुछ तो बोलेंगे माइनस माइनस तो माइनस ही होता है अपोजिट साइन वाले ना घट जाते हैं तो जब जब जुड़ने वाली बात हुई तब तब कंस्ट्रक्शन हो गया यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है और यहां पर आपको मिलने वाली है चॉकलेट जो है वो मेलोडी है लेमन चूस एक मेलोडी चॉकलेट तो बनती है आपकी आप अपने खाते में लिख लीजिएगा टू डिफरेंट नॉन एक्सलो सौ रुपए का इनाम जीत करके तो फिर से जीत कर दिखाई नॉन एक्सएल डी और बिटल सैविंग एक्सिट नॉडल प्लेन फॉर्म पाई बॉन्ड बाईरलैपिंग इच अदर द इंटरन्युक्लियर एक्सिस विल बी ओ मालिक मुझे सब समझ मार है सब समझ <laughs> सब समझ में आ रहा है सब समझ में आ रहा है देखिए तो दो डी ऑर्बिटल है और वो नॉन एक्सियल है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं देखिए एक डिजेट स्क्वायर होता है है ना जिसके यहां पर जो है वो डिस्क होती है डिजेट स्क्वायर तो डिजेट स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक्सियल एक्सियल लेना नहीं है क्वेश्चन ने बोला नॉन एक्सियल ठीक है अब अब क्या करें डिजेट स्क्वायर तो है लेकिन डिजेट स्क्वायर के साथ साथ ये भी तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी तो एक्सियल होता है

नेक्स्ट अगर नोडल प्लेन की बात की जाए कि नोडल प्लेन एक्सड है और वाई जेड है कि अब जो ऑर्बिटल आप जिसकी बात कर रहे हैं वह डी एक्स वाई एक और ऑर्बिटल ऑर्बिटल है वो डी वाइजेड और इसके जो नोडल प्लेन होंगे वो नोडल प्लेन कौन से होंगे दोस्तों एक्सजेड एंड एक्स वाई सो एक्स जेड नॉडल प्लेन दो जगह आएगा इन दोनों ऑर्बिटल में ठीक है तो इन दोनों ऑर्बिटल के बारे में बताया गया कि ये दो डिफरेंट नॉन एक्सियल इस तरह से पहचानना था पहले है ना पहचानने के बाद क्या करना था नॉडल प्लेन फॉर्म पाइबॉन्ड प्लेन है बाय ओवरलैपिंग इच अदर देन इंटरन्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अब ये, ये जो दोनों दोनों ऑर्बिटल हैं क्या ये दोनों ऑर्बिटल क्या ये दोनों ऑर्बिटल कभी एक ही प्लेन में रखे जा सकते हैं क्या ये दोनों ऑर्बिटल कभी एक प्लेन में आ ही नहीं सकते क्यों नहीं आ सकते जरा बताना दोनों के जो प्लेन है ना एक्स वाई और वाई जेड ये तो हमेशा परपेंडिकुलर हैं तो जब ये एक प्लेन में नहीं आएंगे तो एक प्लेन में नहीं आएंगे तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो नहीं सकती और ऐसे हेड टू हेड भी हो नहीं सकती ओवरलैपिंग जब तक एक प्लेन में नहीं आएंगे यहां से एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट निकल करके आया के एफ सी आया एवरी वन नोस के एफ सी कुल एंड फोडो कॉन्सेप्ट क्या कुल एंड फोडो कॉन्सेप्ट है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्लेन ऑफ ऑर्बिटल प्लेन ऑफ ऑर्बिटल क्या होना चाहिए सेम देखा कॉन्सेप्ट बन गया दोस्तों परपेंडिकुलर है कभी भी साइड से नहीं आ सकते ओवरलैप नहीं कर सकते या हेड टू हेड भी ओवरलैप नहीं कर सकते खत्म कहानी दैट मीन के पाई बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे करेक्ट कितने लोगों ने अब सच्चाई में ऐसे सोचा था मुझे बताना जरा सा मोनू का कहना नाइन्टी डिग्री टीआर आर का कहना नाइन्टी डिग्री औसम औसम हर्ष का भी कहना नाइन्टी डिग्री क्या बात है नन्या का भी कहना क्या बात है बहादुर नौजवान क्या बात है सच्ची ऐसे सोचा था क्या क्या सच में ऐसे सोचा था अगर सोचा था तो अल्लाह जवाब मेरे हीरो क्या बात है ओके ना। <laughs> ये तो आप पढ़ते पढ़ते पक्का सोने वाले हैं मुझे पता है ना सो इसीलिए यहां पर चॉकलेट का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए और अब जो है आपको मिलने वाली है दस रुपए वाली डेरी मिल्क पक्का चलिए फोड़िए तो चूंकि पिछले टॉपिक का क्वेश्चन है रिवीजन का इसलिए अभी मैं ज्यादा दे नहीं रहा वैसे इनाम बढ़ा सकता हूं अगर आएंगे तो कहीं आपने आंसर देखे तो हुए <laughs> तो नहीं, नहीं <laughs> ये भी कर लिया था डीपीपी में आप सच्चाई सामने आ रही है अच्छी बात है

Z एक्सिस पर सिग्मा कौन बनाएगा खुद अगर नहीं लिया है तो या तो पाई बनेगा या फिर कुछ बनेगा ही नहीं वैसे ही अगर -X. पाई बनाने का काम किसका हो जाएगा पीवाई प्लस पी वाई का और पीजेड प्लस पीजेड का ये दोनों ही क्या बनाएंगे पाई बनाएंगे दोनों ही क्या बनाएंगे पाई बनाएंगे वैसे ही आप ले लो जे जो वाई एक्सिस

ठीक है और अगर परपेंडिकुलर दे दिए जाए जाए ये सब काम कर पी वाई प्लस पी एकस, इससे कुछ नहीं होता है परपेंडिकुलर वाले आपने देखा कि कोई काम नहीं करते उनसे बाउंडी नहीं बनता है तो आपने आंसर लाया था डी तो चेक कर लिया जाए डी आंसर है भी या नहीं बिल्कुल सही है डी आंसर है अच्छा डी आंसर है क्यों भाई डी आंसर है इसलिए क्योंकि बी में बताया गया कि सिग्मा बनेगा और ऑर्बिटल कौन सा दिया गया जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है भाई सो ऑब्वियसली ये गलत है है ना इंटरन्यूक्लियर या

आपने सेशंस देखे जब मैं उनका लेता हूं मैं हमेशा उनको एक बात सिखाता हूँ फिफ्टी फिफ्टी ओपी रूल शायद आपको सिखाया हुआ हर बार भूल जाता हूँ लेकिन हर क्लास में तो तो आपको बताता 50 -50 OP. तो 50 -50 OP रूल लगाओ ना आपके दोस्त का पेटेंट रूल है और लगाओ यार बहुत मजा आता है मतलब आप देखो ऑप्शन ए को देखो बताया गया पी वाई प्लस पी वाई पाई बॉन्ड बनाएगा सही है तो जहां जहां ए दिख रहे हैं वो आंसर नहीं होगा ए वहां दिखा अच्छा बस एक ही जगह दिखाई दिया अच्छा कोई नहीं कोई नहीं बी वाले आंसर होने वाले हैं बी यहां नहीं दिखाई दिया तो ये भी गलत हो गया फिफ्टी फिफ्टी तो सच में निकल गया दो ऑप्शन निकल देखो, वैसे पता है दिख जाएगा उसे ही माना जाता है ठीक है और आपको बता दें एकदम स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग के विजेता के लिए केमिकल बॉन्डिंग में जो भी जीतने वाला है स्पेशली जब सेशन खत्म होगा हर सेशन में आइए सेशन लगाइए क्योंकि आपका दोस्त जो विनर घोषित करता है पिछले चैप्टर के विनर को कुछ मिला नहीं है क्या अभी मुझे याद आया बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है दोस्तों <laughs> बैंड बजी पड़ी है तीन चार दिनों से क्या हो रहा था ना कि थोड़ा यू नो दैट कि आपका दोस्त जो है वो और भी कुछ और सरकारी कामों में भी बिजी चल रहा था तो सर फटा हुआ था आज सुबह जाकर के थोड़ा सा देख लो चेहरा थोड़ा खिला है मेरा <laughs> और परसों की बात है शायद की तबीयत भी गड़बड़ा गई थी है ना तो शायद नहीं मिला है पिछले पिछले चैप्टर का बट पिछले चैप्टर का भी फिनिश करते हैं थोड़ा डिले होता है है ना सारे लोग ये तो रियलाइज करते हो कि दोस्त बिजी रह जाता है थोड़ा टाइम लगता है प्राइज देने में बट प्राइज दे करके रहते हैं टी आर सोल्यूशन या गेमर्स पॉइंट या जैसपिन वगैरह जो भी है सबको पता है अगर किसी का रह गया हो फिर भी तो पिछले चैप्टर वाले का तो याद आ रहा मुझको रह गया था कोई बात नहीं सबको देंगे केमिकल बॉन्डिंग के लिए एकदम चॉकलेट मिलने वाली है एकदम लाखों करोड़ों की एकदम पक्का केमिकल बॉन्डिंग का टॉपर जो भी होगा so, एकदम एकदम हसल हार्डर हार्डर फाइट अपने दोस्तों को भी बुलाओ और कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग कराओ तो मैं बता रहा था देखो 50 50 ओपी तो ऐसे ही निकल गया था ठीक है so, सो जैसे ही आपने ए और ए और बी को चेक किया दो ऑप्शन निकल गए अब या तो ये हो सकता है या ये तो किसी एक को चेक कर लो सी पर गए और डीएक्स वाई डीएक्स वाई दिख रहा है ठीक है अब डीएक्स वाई डीएक्स वाई अगर आप बनाओगे तो इस तरह से डीएक्स वाई बनेगा डीएक्स वाई बन गया ये एक और डीएक्स वाई बनाना है बना लो एक और डीएक्साई डीएक्स वाई एक और बना दिया हमने Dxy और Dxy है। और कौन से एक्सिस पर है अगर एक एक्सिस पे चलते तो ये क्या बना लेते देखो ये पाई बॉन्ड बना लेते है ना लेकिन नहीं एक्स एक्सिस पे चलाया ही नहीं गया है कौन से एक्सिस पे चलाया गया जेड एक्सिस पे तो आप में से कौन है जो मुझे बता सकता है कि डायग्राम कैसे बनेगा डायग्राम बना करके कोई दिखा सकता है क्या मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूं चैट बॉक्स में आग लगाओ बताओ कि किस तरह से डायग्राम दिखाया जाए कैसे डायग्राम बनाए अरे कैसे डीएक्स है, है? का डीएक्स वाई का तो दो डीएक्स वाई है और दोनों डीएक्सवाई जेड एक्सिस के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे है ना सो so, ऐसा कुछ कर लेते हैं देखिए तो दिस इज एक्स दिस इज वाई तो dxy एक dxy मैंने ऐसा बनाया और खुद बनाते हुए जो है मैं बड़ा तिरछा फील कर रहा हूं <laughs> वैसे ही एक और dxy बनाते हैं ये दोनों dxy जो है वो ये दोनों dxy जो है वो z एक्सिस पे चलेंगे और फिर मर्ज कर जाएंगे देख रहे हैं? ये z एक्सिस पे चलने वाले तो z एक्सिस पे चलने वाले मतलब ऐसा देखना ये देख रहे हो मेरे पास सपोज दैट ये 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 डी एक्स वाई है देख रहे हो सारे लोग देखना ये कैमरे में देखो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे अरे इसको पलट दिया जाए बैटरी दिख रही है अच्छा नहीं लगा <laughs> ये देख रहे हो ये डी एक्स वाई है दिखा अब ये जो डी एक्स वाई है ना वो ऐसे नहीं है वो ऐसा जेड जेड एक्सिस एक्सिस पर पर अच्छा चलो ये जेड एक्सिस तो यही है जो तुम्हारी तरफ आता है वो जेड एक्सिस है ठीक है अब आप भी इसी तरह से पेन ले लो मेरे सामने सामने खड़े हो जाओ खड़े हो गए मेरे सामने ऐसे पेन ले लो ठीक है इसी तरह से पेन ले लो और खड़े हो जाओ मेरे सामने और मैं आपके तरफ आ रहा हूं कैमरे की तरफ आप भी मेरे तरफ आओ ठीक है आप भी मेरे तरफ आओ तो आपने भी DXY को इसी तरह से रखा होगा इसी तरह से पकड़ा होगा समझ रहे हो तो अगर आपने को लास्ट क्लास में ये y लिया था, तो इसी तरह से रखा है और सामने से भी डीएक्स देख रहे हो सामने से आप भी डीएक्स लेकर के आओ तो मर्जिंग होगी अभी जो dx y dx y की जो मर्जिंग होगी ना वो दो ऑर्बिटल की मर्जिंग नहीं होगी देखना एक एक मर्जिंग ऐसे होती है दोस्तों देखिएगा ऐसे होती है जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो मर्जिंग होती है ना दोस्तों वैसे होती है अभी तक हम जितने भी दिखा रहे थे वो ऐसे दिखा रहे थे देखना डिफरेंस देखना ये भी dx y है और एक और dx y है दोनों को हमने x एक्सिस पे चला दिया x एक्सिस

रेड वाला रेड वाले से देख रहे हो फिर रेड वाला जो है वो रेड वाले से और जो येलो वाला है वो येलो वाले से ये समझ में आया क्योंकि ये ऐसे चल रहे ऐसे या आप उलट के भी समझ सकते हो अगर मैंने ऐसे रखा होता और नीचे से आकर के मर्जिंग हो रही होती तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मर्ज करते और जो नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी मर्ज कर जाते जो नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी मर्ज कर जाते तो चार लोग इंट्रेक्शन होता सो दिस इज फोर लोब्स इंट्रैक्शन फोर लोब्स की ओवरलैपिंग और जो फोर लोब्स की ओवरलैपिंग है वो एक्जैक्टली exactly सिलेबस का पार्ट नहीं है यहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड और ये पाया कहा जाता है रेनियम और ऑस्मियम के कंपाउंड्स में पाया जाता है जो चौथा बॉन्ड पाया जाता है दो आइटम के बीच में वैसे हमें क्या पता है हमारे सिलेबस तक में दो आइटम के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बनते हैं तीन लेकिन चौथा भी एग्जिस्ट करता है वो जो चौथा बॉन्ड है वो चौथा बॉन्ड रीनियम और के बीच में अक्सर पाया जाता है और अभी जस्ट कुछ मंद पहले ये कुछ और भी मेटल्स में डिस्कवर होने लगा है कुछ और भी स्पेशीज में आने लगा है सो जब भी पूछा जाए कि अच्छा मैक्सिमम कितने लोब्स का इंट्रैक्शन तुम देखते हो पाई बॉन्ड बनेगा तो कितने लोब्स का इंट्रेक्शन होगा जरा बता देना अरे पाई बॉन्ड बनेंगे तो मैक्सिमम दो का इंट्रेक्शन होता है तो फिर ये पाई नहीं है क्या ना ये पाई नहीं है ये डेल्टा ये पाई का भी बाप है चार लोब्स के इंट्रैक्शन है।, awesome, awesome, yes, 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 है ना महिमा अक्षत महिमा पहली बार आई प्रगति ध्रुव ध्रुव तो आते रहता है, है yes. so, टॉपिक और ये जो मीम है वो थोड़ा सा मीम जो है वो थोड़ा ज्यादा टफ मीम है ऊपर <laughs> से जाएगा <laughs> Actually, इसमें ये एक सिचुएशन है जिसमें एक बंदा जो है गिरा जा रहा है और ये डॉक्टर ढूंढरी डॉक्टर को <laughs> तो बंदा जो है केमिस्ट्री का बहुत फैन बंदा yes, इन तो, <laughs> तो इनऑर्गेनिक वाला नहीं चाहिए हमें बायोलॉजी वाला डॉक्टर चाहिए भाई। तो <laughs> बात वहां पर खत्म हो रही है कि die, और ये भाई साहब अपने आप को जो है मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले ना खुद को

केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना टी प्लस हटाओ अच्छा स्कोर करना कौन बता सकता है कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है कोई बता सकता है आप में से कितने लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में स्कोर करना सच में जरूरी है मजबूरी कीजिए आप अगर केमिस्ट्री अच्छा करेंगे तो पता है क्या होगा केमिस्ट्री का पेपर आधे घंटे में खत्म हो जाता है हार्डली 40 मिनट के आसपास तक में तो आपके दोनों सब्जेक्ट जो ज्यादा टाइम लेते हैं फिजिक्स और मैथ उसके लिए टाइम बचेगा अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो केमिस्ट्री में तो कम स्कोर करोगे ही उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है दोनों सब्जेक्ट पे तो स्मार्ट बंदे हमेशा केमिस्ट्री को अच्छा रखते हैं और जो ऊपर की रैंक वाले होते हैं ना उनकी रैंक में पता है डिफरेंस किसके वजह से आता है केमिस्ट्री की के वजह से क्योंकि फिजिक्स और मैथ एक जैसे है ना तो लोग पढ़ जाते हैं केमिस्ट्री में सबको लगता है कि रटने वाली चीज है लेकिन रटने वाली नहीं होती ये लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है इस भ्रम में कभी पढ़ना मत मैंने ही कितनी चीजें रटवाई आपको ना के बराबर ना के बराबर और वैसे ही हार्डली पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस का दस परसेंट पार्ट याद रखने लायक है और वो भी कोविड के टाइम पे ज्यादा हो गया है NCRT से क्वेश्चन आने लगे हैं कोविड के टाइम पर क्योंकि पढ़ाई सबकी गई तो कोविड के टाइम पर मेंस में एनसीआर से रिलेटेड बातें ज्यादा पूछी जाने लगी है तो थोड़ा सा और ज्यादा भरा है लोगों के बीच में कि रटने वाला रटने वाला नहीं है दोस्त फसना नहीं नाइनटी ऑफ केमिस्ट्री आप समझ करके बना सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी और अगर आप क्लास में रहे ना तो जो भी बातें हैं जो रटने वाली होती है उसको रिपीट ही आपका दोस्त इतनी बार कराएगा कि आपको सब याद हो जाएगा टेंशन नहीं रहना ठीक है तो केमिस्ट्री इसलिए जरूरी क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचता है स्पेशली मैथ्स के लिए और फिर आपका स्कोर ओवरऑल ऊपर जाता है और टॉप रैंक में डिसाइड ही होता है केमिस्ट्री की के वजह से अपना स्टूडेंट सर्वेस जिसने फर्स्ट रैंक बनाई थी इंस्टीट्यूट से या प्रणव जिसने फर्स्ट रैंक बनाई थी सारे और फर्स्ट रैंक की बात क्यों करें हर तरह के बच्चे जो कि अपना सिलेक्शन निकालते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं उनको पता होता है कि केमिस्ट्री को ढंग से हैंडल करना कुछ से नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं लेकिन स्मार्टनेस है अच्छा इसलिए रखो टाइम बहुत बचेगा और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धोखा नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन okay? और हाइब्रिडाइजेशन का कोई कनेक्शन है क्या नहीं कनेक्शन है मतलब ये थोड़े एडवांस लेवल के मीम थे भाई <laughs> वो ऐसे नहीं थे कि तुरंत समझ में आ जाएंगे अभी वाला जो मीम था माननीय अमित शाह जी वाला वो जो है इसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशन तो, काम नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन के टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी जो हम पढ़ते हैं वन एस टू टू एस टू वाला वो काम आता है ओके सो चलिए हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए क्या सीखना है हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार हाई सुनिएगा एक्साइटेशन का क्या मतलब होता है कौन बताएगा मुझको एक्साइटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसी भी दूसरे स्टेट में चला गया बट ग्राउंड स्टेट में नहीं है सपोज दैट ये हाइड्रोजन आइटम हो अगर ये ये हाइड्रोजन है है और फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट मेरे दोस्त तो में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड नहीं है लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं सेकंड थर्ड या किसी भी टिंगी टिंगी इंफाइट स्टेट में है फर्स्ट को छोड़कर अगर वो किसी में भी चला गया वो एक्साइटेड स्टेट है वहां उसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा होता है ग्राउंड स्टेट होता है तो जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होते हैं उसको छोड़कर के अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में है दैट एक्चुअली मींस कि इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट अब आपको क्या करना है अभी के टाइम पर एक्साइटेड स्टेट कैसे सीखना आप ये काम नहीं कराओगे कि इलेक्ट्रॉन को उड़ा करके यहां पहुंचाओगे या इलेक्ट्रॉन ये नहीं ये तो एटम के स्ट्रक्चर में करते थे अभी नहीं करना है अभी आपको क्या करना है अभी आपको ऑर्बिटल डायग्राम पर काम करना है तो ऑर्बिटल डायग्राम बना बना के मैं सिखाता हूं सीखिएगा ठीक है पहले मैं स्टार्ट करूंगा कार्बन के एग्जांपल से फिर आपसे डिस्कशन करूंगा आपको फिर समझाऊंगा आगे जरा देखिएगा एक्साइटेशन इन कार्बन की बात कर रहे लोग ध्यान से देखना क्योंकि आपको आगे कराना है और फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन इनमें कराने बहुत अच्छे से आना चाहिए तो एक्साइटेशन इन कार्बन के लिए पहले हमने क्या किया कार्बन का कन्फिग्रेशन लिख लिया जब आप कन्फिग्रेशन ऐसे लिखते हो ना दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगुरेशन दैट मीन कि मोस्ट स्टेबल स्टेट का कॉन्फिग्रेशन है ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन ओके सो दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, डन अब वन एस टू टू एस टू टू इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ सो so आपने टू एस के लिए भी बना दिया टू और यहां 2p के लिए बना दिया ठीक है डन अब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन बनाएगा वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है

दो अगर दो अन्य मतलब कार्बन मैक्सिम दो बना सकता है, कि, हमने जाना हुआ है कि कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकता है तो अगर कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकता है तो बनाता कैसे है वो एक्साइटेशन के थ्रू क्या इस एक्साइटेशन के लिए जो कार्बन के अंदर होने वाला है ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल क्या इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्या हमें बाहर से एनर्जी चाहिए एक्चुअली ये एक्साइटेशन होता है बॉन्डिंग के टाइम पर और बॉन्डिंग के टाइम पर एक्स्ट्रा अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है बॉन्डिंग कंडीशन में ही एक्साइटेशन आइटम कर लेता है तो अलग से देने की जरूरत नहीं है बॉन्डिंग कंडीशन बना दो वो आइटम खुद से एक्साइटेशन कर लेगा तो कार्बन क्या करता है अपने सेम ऑर्बिट याद रखना है कि जो बॉन्डिंग के टाइम पे आइटम बिना एक्स्ट्रा एनर्जी लिए हुए जो एक्साइटेशन कराता है इस तरह का वो हमेशा सेम ऑर्बिट के अंदर कराता है ऐसा नहीं कि एक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में एनर्जी ज्यादा लगती है तो जिस किसी भी एक्साइटेशन की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर वो याद रखना है कि सेम ऑर्बिट वाले एक्साइटेशन की बात हो रही है है ना ये जो एक्साइटेशन हम पढ़ रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग वाली पढ़ रहे हैं और सेम ऑर्बिट के अंदर ही एक्साइटेशन होना है इस एक्साइटेशन का पर्पस क्या है बॉन्ड बनाना ज्यादा बॉन्ड बनाना अभी कितने बॉन्ड बन सकते हैं

हमेशा लोअर से हाइयर एनर्जी स्टेट इज एक्साइटेशन तो से क्यों नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा हो रहा रहा है है क्योंकि ऑर्बिट ऑर्बिट चेंज चेंज नॉट अलाउड उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो बॉन्डिंग कंडीशन में उतनी एनर्जी नहीं मिलती फिर आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी वो अलाउड नहीं है बॉन्डिंग कंडीशन में बिना एक्स्ट्रा एनर्जी लिए हुए एक्साइटेशन एटम्प कर लेगा खुद से ठीक है यस लोअर टू हाई हाथ

2s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे दोस्तों बताओ अनपेयर्ड एक ये 2s है और 2p में कितने अनपेयर्ड दिखाई देंगे फटाफट चैट बॉक्स में आग लगाओ बताओ कितने ये दिख रहा है मैं एक को थोड़ा अलग कलर में बनाऊंगा रेड खास करके बनाऊंगा बताने के लिए कि ये एक्साइटेशन के साथ आया रेड वाला ऑसम मुझे दिख रहा सब किस -किस आंसर है सबके आंसर्स किस-किस आंसर किए पार्थ इंशेन विनय अरुषि मोनू मोस्टली आदित्य आदित्य देवनाथ ऑसम

दो बॉन्ड भी बना सकता है और चार भी भले ही अभी जो है कार्बन के चार बॉन्ड का केस डिस्कस करना है आइए नाइट्रोजन में पहले आप लोग आंसर कीजिए और मुझे बताइए नाइट्रोजन में एक्साइटेशन के बाद कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं बताइएगा आंसर आपको मिलने वाली है मेलोडी जल्दी से बताइए जल्दी से नाइट्रोजन में चॉकलेट क्वेश्चन है भाई इनाम आपका नाइट्रोजन में एक्साइटेशन के बाद कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं एक्साइटेशन के बाद और वीडियो आज की शेयर कर देना दोस्तों क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है एक्साइटेशन है इसके बिना बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं हो सकती कुछ नहीं आएगा बॉन्डिंग अगर हाइब्रिडेशन ही आया तो शेयर करना दोस्तों को जगाना बोलना कि भाई दोस्त देख लो एक्साइटेशन वाला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है आंसर दिख रहे हैं मुझको तीन चार पांच तीन चार पांच है ना देखो नाइट्रोजन में एक्साइटेशन होगा पहले ये डिसाइड करते हैं अगर नहीं हुआ तो सारे लोगों को फाइन लगने वाला है

क्यों नहीं जा सकते जरा फटाफट फड़ बताओ एनर्जी बैरियर है काफी तो आप नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा समझ रहे हो हाई एनर्जी बैरियर है मेरे दोस्तों हाई एनर्जी बैरियर है है ना आप ये काम नहीं कर सकते ये सब काम नहीं कर सकते नहीं जा सकते सेकंड से थर्ड में सो दैट इज वाई यहां पर आप बोलोगे कि नो वैकेंड ऑर्बिटल वीओ मीन वैकेंड ऑर्बिटल सारे लोग याद रखना नो वी वैकेंड ऑर्बिटल नो एक्साइटेशन ये जो तीन चार पांच तीन चार पांच चल रहा था सब गोड़ हो गई ला ऑक्सीजन में बताइए जरा ऑक्सीजन में फ्लोरीन में बताइए बताइए फ्लोरीन और नियोन में बताइए फटाफट इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं के दोस्त संकेत आ जाओ दोस्तों फटाफट बताओ क्या दिख रहा है बोलो क्या ऑक्सीजन में होगा ऑक्सीजन में एक दिख रहा है गुड 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 और टी आर सोल्यूशन थ्री मैक्स नहीं होंगे, <laughs> देखते तीनों का कोई सही आंसर बताओ मुझको कॉमा दे दे करके लिख दो तीनों का सही बता दिया तो फिर से चॉकलेट मिलने वाली है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में होगा ये किसने कहा है सूर्यांश का कहना है ऑक्सीजन फ्लोरिन होगा कन्फिगरेन लिखा जाए टू पी फोर देखो कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है यहां पर सो यहां ऑक्सीजन भी कैंसिल हो गया दोस्तों फ्लोरीन वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव कोई भी ऑर्बिटल यहां भी खाली नहीं है और आप सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट में जा नहीं सकते इसीलिए ये भी कैंसिल आउट हो गया दोस्तों अल दोस्तों अल देखो ना देखो ना कैंसिल हो गया जी कैंसिल हो गया नियोन भी तो उसी तरह से कैंसिल होगा ना कैंसिल हो गया तो लड्डू गोपाल कुछ नहीं होने वाला है ना चलिए सो नेक्स्ट जो हमारे पास है एल्यूमिनियम सोडियम और मैग्नीशियम भी ले सकते हैं आप बता देंगे बट मुझे एलुमिनियम में चाहिए एक्साइटेशन के बाद कितने बॉन्ड एलुमिनियम बना सकता है विदाउट एक्साइटेशन कितने बना सकता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एंड देन थ्री एस टू थ्री पी वन इसका यह ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन है ठीक है तो एक्साइटेशन देखो यहां एक्साइटेशन नहीं हो सकता ये पूरे पार्ट को मैं कट कर रहा हूं नो no एक्साइटेशन क्योंकि एक्साइटेशन तो आपको पता है बाहर के ऑर्बिटल में ही होना है ना नो एक्साइटेशन एक्साइटेशन इज पॉसिबल हियर ओनली एक्साइटेशन इज पॉसिबल हियर ओनली एक्साइटेशन इज पॉसिबल एक्साइटेशन हैपेंस ओनली एक्साइटेशन इज पॉसिबल तो कहां कहां एक्साइटेशन पॉसिबल है दोस्तों बताओ एक्साइटेशन इज पॉसिबल ओनली इन एक्साइटेशन कहां कराना है बताओ एक्साइटेशन ओनली इन वैलेंस शेल बाहर के ऑर्बिट में कराना है बस ठीक है सिर्फ वैलेंसल में कराना है डन यस yes, yes, yes. वैलेंस सेल में कराना है तो एल्यूमिनियम का केस अगर उठाया जाए एल्यूमिनियम का केस अगर उठाया जाए ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स यहां तक तो कुछ होगा नहीं जो भी होना है वो थ्री एस टू थ्री पी वन में होना है थ्री एस टू अगर उठाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन और थ्री पी में उठाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो विदाउट एक्साइटेशन एक बॉन्ड बनाना चाहिए एक्चुअली एल्यूमिनियम कभी भी एक 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 बॉन्ड बनाते हुए पाया नहीं जाता है कौन मुझे बताएगा कि आखिर एल्यूमिनियम कभी भी एक बॉन्ड बनाते हुए क्यों नहीं पाया जाता जबकि यहां दिख रहा है कि इट कैन मेक वन बॉन्ड इट कैन मेक वन बॉन्ड थ्योरी हमारी क्या बोलती है आवर थ्योरी सेज दैट के अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है बॉन्ड बना सकता है एक बट हमारी थ्योरी ये कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो बॉन्ड एक बना सकता है तो फिर क्यों नहीं बनाता एल्यूमिनियम जरा सोचो एल्यूमिनियम इसलिए नहीं बनाता एल्यूमिनियम इसलिए नहीं बनाता क्योंकि देखो आप थर्ड ऑर्बिट में आ चुके हो और थर्ड ऑर्बिट में जरा मुझे बताना थर्ड ऑर्बिट में बताना मुझको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में टू एन स्क्वायर लगा दो मैक्सिमम एटीन इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं लेकिन इसका ऑक्टेड भी अगर नहीं होगा ऑक्टेट के भी चांसेस नहीं होंगे तो ये बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है कि ऑक्टेट ना हो देखो 18 तो होने से रहे चलो 18 तो होने से रहे ऑक्टेट हो जाए अगर ऑक्टेट नहीं होगा तो ऑक्टेट के आसपास कहीं पर तो जाए ऑक्टेट के आसपास तो चले जाए अगर ऑक्टेट के आसपास भी नहीं गए तो क्या फायदा बॉन्ड बना करके तो एल्यूमिनियम सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता इट कैन मेक वन बॉन्ड थियोरिटिकली बट नियर नेवर फाउंड थियोरिटिकली बट ड्यू टू हाई डेफिशियंसी हाई डेफिशियंसी हाई डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन एट इट डजन फॉर्म्स बॉन्ड इसे कभी नहीं पाया जाता ऐसे फॉर्म्स बॉन्ड ठीक है यह नहीं पाया जाता अच्छा तो अब जरा एक्साइटेशन करा दें और इसके बाद फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन का फटाफट आप करके सोच लो कि एक्साइटेशन कैसे हो सकता है क्योंकि एक्साइटेशन में वही तीन गए जिनको देखना है फिर हम एक्साइटेशन का यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन एक्साइटेशन आप करो। अब आप कराओ अब कराओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बन जाएगा थ्री एस टू दिखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो थ्री तो एस में वन आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा डन एंड थ्री पी में कितने आ जाएंगे दो आ जाएंगे ठीक है थ्री पी में दो आ गए बस क्या बात क्या बात क्या बात है थ्री एस टू थ्री एस वन एंड थ्री बी टू तो तीन इलेक्ट्रॉन है थ्री बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म थ्री बॉन्ड्स कैन बी फॉर्मड है ना थ्री बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म और उसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ये सब कंपाउंड बनाता है ना एल सी एल थ्री इनफैक्ट आप बहुत सारी आगे भी चीजें जानेंगे बट AlCl3 के बारे में बहुत सारी बातें आगे भी पढ़नी है बट अभी तो इतनी बात है एल सेल थ्री ओके आइए देखिए दो नेक्स्ट है हमारे पास हम एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन पर भी जा सकते हैं आप सिलिकॉन का आप कर लेना मैं आ रहा हूं तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन वाले पर फॉस्फोरस पर आते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स यहां तक कोई एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होना है क्या जरा आप देख करके बताना है थ्री नहीं होना है ना सिर्फ वैलेंस शेल में होना है शेल में होना है तो फोकस करते हैं ना इसके वैलेंस टू थ्री पी थ्री पहले हमने ग्राउंड स्टेट का बना लिया फिर बाद में एक्साइटेशन एक्साइटेशन कराएंगे जरा पहले बताओ पॉसिबल भी है या नहीं है मुझे तो नहीं दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या कोई एक्साइटेशन नहीं है ना चलो दोस्तों आपने गलती कर दी इसके आगे थ्री डी खाली पड़ा हुआ है देखा फर्स्ट गए ना आप बताया था ना कि डी सब ऑर्बिट जो है वो डी फॉर दुख है डी फॉर दर्द है ये हमेशा दर्द देगा आपको और हमेशा आपके आंसर गलत कराएगा तो केयरफुल रहो थ्री भी तो है ना थ्री को क्यों नहीं ले रहे हो <laughs> तो देखो थ्री वाले तो फुल है अनपेयर्ड को सॉरी पेयर्ड वाले को अनपेयर्ड करना होता है तो थ्री एस से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा एक्साइटेड होकर के थ्री में तो अभी कितने बॉन्ड्स बन सकते थे अभी थ्री बॉन्ड्स कैन बी फॉर्मड बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म है ना तीन बॉन्ड सीधे सीधे दिख रहा है बनाए जा सकते हैं यहां पर एक एक्स्ट्रा के एफ मैं ऐड करू यहां पर कितने लोगों को याद है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है जरा एक बार देखा जाए कितने लोगों को याद है कि नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है मजा आएगा देख करके कितने लोग जो है वो फोड़ रहे हैं पहले की बात उनको याद है जो दोस्त ने जो ट्रिक बताई थी वो कितनी याद है तीन तीन मेरे दोस्त नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल स्टेट में लेकिन चार बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ तो केफसी क्या है ये आपके दोस्त ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड बात पहले लेक्चर में बता दी थी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी याद रखना बॉन्डिंग में बहुत हेल्प मिलता है तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के ग्रुप के एंड एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप नाइट्रोजन खुद एंड एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप कैन फॉर्म बताओ फोर बॉन्ड्स ये तो आप गैस कर ही सकते हो बट यहां पर आप कुछ और सच्चाई ऐड कर रहे हैं है ना क्या सच्चाई ऐड कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के ग्रुप में सबसे छोटा आइटम कौन सा होता है ये बताओ नाइट्रोजन के ग्रुप में सबसे छोटा आइटम कौन सा होता है खुद नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी लिमिटेड है नाइट्रोजन सेकेंड ऑर्बिट का और सेकेंड ऑर्बिट में कभी भी डी सब ऑर्बिट नहीं आता है तो एक्चुअली ये जो लाइन लाइन लिख रहे ना इस को हम अब सही कर ले तो अच्छा होगा ये लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है नाइट्रोजन के लिए मैंने इससे लिखा था नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ग्रुप क्योंकि हमें ये फीलिंग होती है तो पहले आपकी फीलिंग के साथ लिख दिया कि नाइट्रोजन आपको ऐसा फील होगा नाइट्रोजन में जो हो रहा है वही तो फॉस्फोरस में होगा वही तो आर्सेनिक में होगा क्योंकि सब सेम ग्रुप के हैं लेकिन नहीं एक गलती आप हमेशा करोगे अगर आप सेकेंड पीरियड के आइटम में और सेकेंड पीरियड के आगे जितने भी आइटम्स हैं उनमें अगर आपने डिफरेंस नहीं किया मेरे दोस्त बहुत बुरा फंसोगे तो ये डिफरेंस जो आप नहीं करोगे भूल जाओगे इससे फंसते रहोगे नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ फोर बॉन्ड्स विद पॉजिटिव चार्ज बट इसके बाकी ग्रुप के जो भी एटम्स है ना बट फॉस्फोरस बट हेवियर एटम्स हेवियर मतलब कि आप ऑर्बिट रखने वाले सेकेंड पीरियड के बाद वाले साइज बड़ा जिनका होता है बट हेवियर एटम्स कैन फॉर्म फाइव बॉन्ड्स कैन फॉर्म फाइव बॉन्ड्स विदाउट चार्ज ये आराम से बना सकते हैं अच्छा अब ये कैसे ये कैसे समझे आपको वो ट्रिक याद है एक और ट्रिक आपको नाइट्रोजन पर लागू नहीं होती क्योंकि अगर नाइट्रोजन ने पांच बॉन्ड बना लिया तो उसके शेयरिंग से दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन उसके पास है चार ऑर्बिटल तो नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि छोटू होता है सेकेंड पीरियड का होता है चार ऑर्बिटल होते हैं टू पी होते हैं कोई डी सब ऑर्बिट नहीं होता तो ये दस इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता आठ से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इनफैक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे स्पेशीज हैं जो आठ बना करके रहते हैं किसी भी हाल में आठ इलेक्ट्रॉन अपने चार बॉन्ड अपने बना करके रहते हैं तो मैक्सिमम चार तक जाएगा बट नाइट्रोजन के बाद जैसे ही आप नीचे गए सेकंड पीरियड से आगे थर्ड पीरियड वगैरह में तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड आपको क्या मिल जाएगा डी सब ऑर्बिट जैसे यहाँ फॉस्फोरस में दिख रहा है, है ना अब डी सब ऑर्बिट में तो हमें पता है कि डी डिसबरमिट में तो जगह खाली होती है बॉन्ड्स और ज्यादा बन सकते हैं तो यूजली क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आंसर कर देना चाहिए नाइट्रोजन से आगे गए बड़े साइज के आइटम आगे बड़े साइज के आइटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आंसर कर दो तो नाइट्रोजन से आगे गए सेकेंड पीरियड से आगे गए कोई भी आइटम आया जैसे फॉस्फोरस कोई भी आएगा सेकंड पीरियड से आगे समझ जाना वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना और बता देना कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स उसके बन सकते हैं फॉस्फोरस मैक्सिमम पांच बना सकता अभी तीन बना रहा था यह ग्राउंड स्टेट था दिस इज ग्राउंड स्टेट राइट दिस इज ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं एक्साइटेशन करा दिया थ्री एस में वन आएगा थ्री एस में वन आएगा थ्री पी थ्री थ्री पी थ्री वैसा ही के वैसा रह जाएगा है ना फिर थ्री डी वन डर पांच बॉन्ड्स बन सकते हैं फाइव बॉन्ड्स कैन बी फॉम्ड कैन बी फॉम्ड करेक्ट ये भी पूछा जाता है कि फास्फोरस में कितनी बार एक्साइटेशन हो सकता है सिर्फ एक बार लेकिन ऐसा सेम ऐसी सेम सिचुएशन जो है वो सल्फर के साथ नहीं है सल्फर के साथ नहीं सल्फर में दो बार एक्साइटेशन हो सकता है ये देखो सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा 3p क्या है 4 है और 3d में क्या है लड्डू है तो हम थर्ड ऑर्बिट वाले को उठा ले 3s2 देन 3p4 एंड देन 3d 0 3s में कितने हैं दो 3s में कितने हैं दो 3p में कितने हैं चार तो चार बनाओ ना फटाफट बनाया ना चार और 3d में कितने हैं अरे जीरो है अच्छा जीरो है 3d में दैट मींस एक्साइटेशन हो सकता है 3d में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एक बार यहां से जाएगा 3p से है ना तो फर्स्ट एक्साइटेशन कराते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेशन पास वाले से थर्ड अगर के बाद देखो क्या बनेगी। 3S में दो इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रखे हुए थ्रीपी में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ थ्रीपी में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन हो गए चार से तीन हो गए एक इलेक्ट्रॉन चला गया थ्री डी में ठीक है थ्री डी वन बन गया मुझे बताना अभी सल्फर कितने बॉन्ड बना पाएगा देखो सल्फर यहां पर कितने बॉन्ड बना पा रहा है ग्राउंड स्टेट में सल्फर कितने बॉन्ड बना पा रहा है दो बॉन्ड टू बॉन्ड्स इन ग्राउंड स्टेट ठीक है टू बॉन्ड्स इन ग्राउंड स्टेट परफेक्ट है बिल्कुल सही है लेकिन अगर आपने फर्स्ट एक्साइटेशन कराया अब कितने बॉन्ड्स बना सकता है फोर बॉन्ड्स फोर बॉन्ड्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और एक बड़ी अच्छी बड़ा एक बहुत ही मजेदार पॉइंट बना दू मैं बता दू मैं सो so दैट आप उसको ट्रिक के रूप में यूज कर पाओगे सुनते जाओ सुनते जाओ देखो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन एक बड़ी मजेदार बात अभी से सुन लो और आदत बन जाएगी आपकी तो बहुत मजा आएगा आई रियली बॉन्ड कि आप इस बात को सुनो ध्यान से और इसे अपने लिए बहुत तगड़ा फंडा बना लो यहां देख रहे हो कार्बन का कंफिग्रेशन था और कार्बन वाले में दो जब हमने ग्राउंड सेट रखा हुआ था तो दो बॉन्ड बन रहे थे तो ये जो दो बॉन्ड बन रहे थे वो टूपी से बन रहे थे जो टूस में पेयर आपको दिख रहा है ना पेयर देखो अनपेयर्ड वाले का काम क्या होता है वो जाएगा दूसरे के अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बना लेगा लेकिन जो इसी स्पीसी का जो पेयर्ड था ना ये पेयर्ड लोन पेयर बन जाता है तो मैं इसको साइड में लिख दू कि ये इसका केवसी ये है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाते हैं लोन पेयर्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी लाइक क्या बन जाएंगे ये लोन पेयर्स यही काम हम करते हैं आगे भी जरा चेक करना नाइट्रोजन में कोई ऐसा लोन पेयर दिख रहा है बताओ कहां पर है नाइट्रोजन में लोन पेयर गसा ये है टू एस वाला दिखा ये क्या काम करेगा लोन पेयर का काम कर जाता है ये लोन पेयर के रूप में होता है तो नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाएगा तो वो लोन पेयर के रूप में काम करेगा यहां पर तो कोई लोन पेयर बचता गस नहीं है और ये यहां पर कोई बॉन्डिंग ही नहीं होती है तो लोन पेयर क्या बनेगा यहां पर बॉन्ड बनता है तीन जब एक्साइटेशन हो जाता है बट कोई लोन पेयर बचता नहीं है यहां पर एंड नेक्स्ट फॉस्फोरस में बताओ जब हमने तीन बॉन्ड का केस देखा तो क्या लोन पेयर बचेगा बिल्कुल बचेगा देखिए ग्राउंड स्टेट में ये लोन पेयर होता है ग्राउंड ग्राउंड स्टेट स्टेट में में तभी पूछा भी जाता है कि के, के पास ग्राउंड स्टेट में कितने लोन हैं ये सब क्वेश्चन सुनते जाओ ध्यान से गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो कलर चेंज कर दे क्या कलर चलिए ना चेंज कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं ना ज्यादा साफ दिखता है तो ये जो पार्ट है वो लोन पेयर है okay. ये लोन पेयर है डन सो so, अगर एक्साइटेशन कर दिया तो कोई लोन पेयर बचेगा क्या लोन पेयर जीरो लोन पेयर कितने हो गए जीरो हो गए ठीक है लोन पेयर हो गए जीरो जरा अब बताना मेरे दोस्तों अब आएगा चॉकलेट क्वेश्चन दो ध्यान से यहां पर ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड्स इन ग्राउंड स्टेट तो कितने लोन पेयर है दो लोन पेयर मतलब सल्फर जब जब दो बॉन्ड बनाएगा सल्फर के पास कितने लोन पेयर बचेंगे दो लोन पेयर वो तो हमने ऑक्सीजन के साथ भी देखा है तो ऑक्सीजन के ही ग्रुप का तो सल्फर होता है ऑक्सीजन के ही ग्रुप का सल्फर है लीजिए बात बन गई एकदम सेम बात जैसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आपके दोस्त ने आपको पढ़ाई थी कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है दो बॉन्ड बनाएगा जब जब न्यूट्रल स्टेट में तो उसके पास दो लोन पेयर होते हैं लाइक्स बढ़ाओ दोस्तों लाइक्स तो अभी तक जो है वो पांच भी क्रॉस नहीं किए समझ गया मैं मोटिवेशन डाउन अरे मोटिवेशन उठाओ मोटिवेशन दो मोटिवेशन दो दो लोन पेयर बनेंगे दो बॉन्ड के साथ अच्छा यहां आते हैं अभी कितने बॉन्ड बन लोन पेयर बचे लोग एग्री करते हैं कि एक बार और है? अब मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है तब तो आप समझ ही रहे हो अरे सर यहां पर तो सेकंड हो नहीं होना है सेकंड होगा ना सेकंड कैसे होगा देखो यहां से हो जाएगा यहां पहुंच जाएगा तो थ्री एस में फिर कितने बच जाएंगे ओनली वन ओके 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 Then फिर थ्री पी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं वहां तीन के तीन रह जाएंगे तो लगा दीजिए तीन बन गए तीन एंड थ्री डी में बताओ कितने बन जाएंगे दो थ्री डी में कितने बनेंगे दो है ना डन अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताओ सिक्स बॉन्ड पेयर्स बनेंगे सिक्स बॉन्ड पेयर्स है ना बट जीरो लोन पेयर कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि आपको कोई भी पेयर इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है तो सल्फर कितने कितने बॉन्ड्स बना सकता है सल्फर दो बॉन्ड बना सकता है दो लोन पेयर के साथ सल्फर चार बॉन्ड बना सकता है एक लोन पेयर के साथ सल्फर छह बॉन्ड बना सकता है लड्डू जीरो लोन पेयर के साथ सल्फर मैक्सिमम कितने बना पाया लोन बॉन्ड छह बॉन्ड क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने थे सिक्स थे ठीक है इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखो अगर मैंने तुमको एच टू एस बना करके दिखाया तो यहां पर सल्फर अगर मैं आपसे पूछूं कि एच टू एस में कितने लोन पेयर होने चाहिए आपको पहले से याद है कि अच्छा सल्फर में तो ऑक्सीजन वाली बात होती है दो बॉन्ड तो दो लोन पेयर ठीक है दो लोन पेयर बना दिए Done. क्या सल्फर यहां पर एक्साइटेड स्टेट में है या ground state में? देखा नए तरीके के क्वेश्चन आने लगे सल्फर पर ग्राउंड स्टेट में excited में 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 सल्फर जब-जब दो बनाएगा अच्छा तो तो जरा बताना क्या होता है एस एफ फोर में क्या होता है फिर में क्या होता है बताओ अरे एस एफ सिक्स छह बॉन्ड है ओ oh, कोई लोन पे नहीं होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट अब सारे लोग मुझे फटाफट एच टू एस के बारे में बताएं रेगुलर ज्योमेट्री है या ज्योमेट्री है जरा फटाफट बताएं तो रेगुलर है या इेगुलर ज्योमेट्री है रेगुलर है 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 ना और लीनियर चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ कितने लोगों को याद आ रहा है कि ये रेगुलर है और रेगुलर है रेगुलर है और लीनियर है कितने लोग बोल रहे हैं <laughs> इेगुलर है लोन पेयर आया नहीं कि वो इरेगुलर हो जाता है ना तो इेगुलर जाता है शाबाश मेरे दिल के टुकड़ो जीत लिया तुमने तो दिल तो लीनियर नहीं हो सकता है है ना क्या हो जाएगा दो बॉन्ड के साथ अगर लोन पेयर होते हैं तो अपने आप वो वी शेप का हो जाता है या बेंट हो जाता है तो वी शेप लिख दो एंगुलर लिख दो बेंट लिख दो है ना दोन एस एफर स्टेरिक नंबर एस एफ फोर का क्या है फाइव फाइव है स्टेरिक नंबर मतलब के ट्राइगोनल ट्राइगोनल में इक्वेटोरियल और एक्सियल हुआ करता था लेकिन हमें पता ऑक्टाहेड्रल में नहीं होता है तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल इक्वेटोरियल एंड एक्सियल इक्वेटोरियल एंड एक्सियल होगा ना लोन पेयर को कहा रखोगे इक्वेटोरियल पर एक लोन पेयर के साथ साथ फोर का बताया था कि जैसा दिखता है वही सीशो, वही सीशो किसी को याद आया जिसमें एक साइड से अगर जो है मैं बिठा दू को नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं अगर बिठा दू अगर मैं एक साइड बिठा दू है भाई को बिठा दू कालिया सर को बिठा दो और उधर से अपने टमाटर सर को जैसे टमाटर सर बैठेंगे वैसे क्या हो जाएगा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा है ना प्रोजेक्टाइल पढ़ लिए क्या और जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो तुम्हें पता है जो रेंज है वो रेंज इनफिनिट हो सकता है <laughs> रेंज निकालते कैसे तुम लोग रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होता है <laughs> यहां पर जहां तक टमाटर सर का मन करेगा बस वहां तक बात बनेगी वहां तक जो है, <laughs> है ना जस्ट इमेजिन कि तुम बैठे हो और अपोजिट में बैठ गए अपने टमाटर सर ढिओ रॉकेट बन के उड़ जाओ तुम लोग तो रॉकेट बन के उड़ जाओगे भाई तो एस एफ सिक्स जो है वो <laughs> तो एस एफ सिक्स जो है ना वो हसाओ अब मतलब तुम लोग तो एस एफ सिक्स जो है उसमें सिक्स बॉन्ड्स है और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है भाई इसका ये इन तीनों में सिर्फ यही है सिर्फ यही है जहां पर रेगुलर ज्यूमेट्री यूज टमाटर सर टमाटर सर को देख <laughs> बहुत मजा करते ना टमाटर सर के साथ तुम लोग समझ रहा हूं मैं <laughs> मैं यहां चलाया विनय सर जो है वो वहां है ना चंडीगढ़ में नहीं तो हम तो वहां पर बहुत मजा करते थे ओके सो आ रहे भाई क्लोरीन में बताइए फटाफट पड़। क्या क्लोरीन में कुछ करके दिखाएं आप क्लोरीन खुद से कर लीजिएगा खुद से कर लीजिएगा ना प्लीज टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव बाहर वाले को 3S2 है, 3P5 है, ग्राउंड स्टेट में थ्री डी में लड्डू कुछ नहीं है थ्री एस में गए दो इलेक्ट्रॉन दिखाया थ्री पी फाइव बनाना है है ना तुम लोग तो आराम कर रहे हो मुझसे बनवा रहे हो बेशरम साहब जो लोग साथ साथ बना रहे हैं उनको जादू की जप्पी और बताओ जो नहीं बना रहे हैं साथ साथ उनको प्रेम चोपड़ा की पप्पी ये ग्राउंड स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है अब करेंगे हम एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेशन कहां से होगा बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन कहां से होगा फर्स्ट एक्साइटेशन क्यों अच्छा विदाउट एक्साइटेशन क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है एक वन बॉन्ड और कितने लोन पेयर लोन पेयर तीन है वन बॉन्ड प्लस थ्री लोन पेयर ठीक है एक्साइटेशन कराया ये हालात बन गए थ्री एसरी थ्री एस टू एंड देन थ्री पी में फोर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल लिया है एक इलेक्ट्रॉन निकल लिया तो थ्री पी में फोर है भाई थ्री पी में फोर है थ्री डी में वन आ गया है अब बताओ कितने बॉन्ड और कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड्स एक दो तीन थ्री बॉन्ड्स थ्री बॉन्ड्स प्लस टू लोन पेयर्स करेक्ट है चलो नेक्स्ट सेकेंड एक्साइटेशन सेकेंड एक्साइटेशन पॉसिबल भी है क्या अरे बिल्कुल पॉसिबल है देखिए ना यहाँ से यहाँ जाएगा जाएगा ना थ्री एस टू है और थ्री एस टू में दो लगाया थ्री पी थ्री हो गया बिकॉज ऑफ एक और इलेक्ट्रॉन निकल लिया एक्साइटेशन में चला गया थ्री डी यहां पर यहां पर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए अब आप काउंट करो फाइव बॉन्ड्स बना सकता है क्लोरीन अब और उसके पास कितने लोन पेयर है एक लोन पेयर है फाइनली अगर हमने उस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का भी एक्साइटेशन करा दिया दोस्तों यहां से यहां भेज दिया थ्री में अब फाइनली क्या होगा ये क्या लाएगा थर्ड एक्साइटेशन और थर्ड एक्साइटेशन पर आपको दिख रहा है क्या क्या बचेगा थ्री एस में एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे थ्री पी में वही तीन के तीन रह जाएंगे है ना तीन के तीन रह जाएंगे और कितने चैट बॉक्स में दिखते रहना चाहिए चैट बॉक्स में आग लगा करके रखो आपकी एनर्जी डाउन होगी पाप लगेगा। मुझसे ज्यादा एनर्जी रखनी है बाकी जो एनर्जी नहीं रखेंगे उनको प्रेम चोपड़ा की पप्पी सबसे सबसे सही सजा है जो लोग ना काम करें उनको मिल जाए प्रेम चोपड़ा की पप्पी बाकी जो मेहनत से काम कर रहे हो उनको की छप्पी ओके सो अब आपसे पूछा जाए कि जरा बताइए में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर दिखेंगे आपको दिखाई दिया एक बॉन्ड फटाफट फटाफट तीन बॉन्ड लगा दीजिएगा एच ओ सी एल एच ओ सी एल में एक बॉन्ड है फिर से वही बात अच्छा एक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे अब इसकी बात बताइए अब तीन हो गए ना क्लोरिन के पास यहां पर देखिए अब एच सी एल ओ टू दिखा दिया मैंने आपको

अरे पांच बॉन्ड है भाई एक तीन पांच सात ऑड नंबर के बॉन्ड बनाते रहता ही है तो एक लोन पेयर बचेगा सही है कितने लोग लिख रहे हैं देखो जो लिख रहे हैं मन से जादू की झप्पी और जो इधर उधर घूम रहे हैं फिर प्रेम चोपड़ा की पप्पी याद रखियो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो एक लोन पेयर है ना बिल्कुल एंड लास्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट सात बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन सात बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन सेवन बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड डन है पहचान गए आप एक्साइटेशन ठीक है अब फाइनली आपको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है सारे लोग अब फोकस हो जाओ यहां पर हाइब्रिड वर्ड तो आप जानते थे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये पक्का हाइब्रिड वगैरह से रिलेटेड कुछ है तो हाइब्रिडाइजेशन में

एटम और भी ज्यादा स्टेबिलाईज करने के लिए स्ट्रक्चर को फिनोमिना कौन कौन से फॉलो करता है एक हमने देखा बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेशन का फिनोमिना होता है है ना बट इसी के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना भी एटम फॉलो करता है एटम अकेला एटम फॉलो करता है जब वो एज अ सेंट्रल एटम काम कर रहा होता है या कई बार साइड एटम के रूप में भी काम करता है तो अपने एटम्स को अपने ऑर्बिटल्स को वो मिक्स करता है अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करने का काम करता है एक एटम बॉन्डिंग के टाइम पर अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करने का काम करता है क्यों क्योंकि जब वो मिक्स करता है तो उसके ऑर्बिटल जो नए बन करके बाहर आते हैं वो ज्यादा काम के होते हैं ये ठीक ऐसा है दोस्तों कि अगर आपसे कोई कहे कि चाय बनाने आती है आती है पहले बताओ आप जरा से यहां पर रुक जाओ वेलकम टू वेदांत जय हेलो <laughs> पार्थ वेलकम टू वेदांत जय तुम तो लोग एक दूसरे को वेलकम कर रही है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात जस्ट टेल मी दैट कितने चाय बनाने आती है नहीं आती चाय बनाने तुम्हें क्या लगता है सपोज दैट हमने बात की चाय बनाने तो अपने टमाटर सर को लेते आते हैं ठीक है, है ना टमाटर सर है और अपने काले सर है ठीक हाँ, है और एक मैं खुद को भी बना लूँ थोड़ा सा मैं जो है वो थोड़ा बॉडी शॉडी बना लूँ अपनी में और यहाँ पे सिक्स पैक बना लूँ थोड़ा ठीक है हाँ डन तो तीन लोग हैं अब इन तीन लोगों में चाय बनाने की बातचीत शुरू हुई कि यार चाय बना लो चाय बना लो तो मैं तो पहले ही अलग हो गया क्योंकि मैं कॉफी पीता हूं तो मैं तो निकल लिया भाई चाय बनाने की बात हुई इन लोगों ने चाय बनाने की बात की मैंने बोला कि कॉफी पीता मैं तो मैं तो निकल लिया <laughs> तो मैं तो बोला कि भाई मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूं मैं तो निकल रहा हूं अब सुनो कालिया सर और अविना सर के बीच में क्या बात हो रही है अरे यार सुरी सर मोगैम्बो को छोड़ दिया कोई बात नहीं तो हुआ क्या कि इन दोनों की बातचीत जो मैंने सुनी है वह मैं चुपके चुपके आपको बता रहा हूं क्या मैंने सुना दोनों की बातचीत दोनों ने कैसे बातें की काली ने बोला कि भाई टेंशन क्या है केटल है ना केटल में चाय बना लेते हैं सुना केटल है ना केटल में चाय बना लेते हैं आपने टमाटर सर ने बोला कि कालिया सर एक बात दसो मैनू पंजाबी एक बात दसो मैनू चाय बार बार केटल में क्यों बनानी है ऐसा क्यों नहीं कर सकते सुनना ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि चाय पत्ती खा लेते हैं दूध पी लेते हैं शक्कर खा लेते हैं और गैस चूल्हे पे बैठ जाते हैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते <laughs> ऐसे भी तो चाय बनती है मतलब एक ही बात है मिक्सिंग ही तो करनी है तो मिक्सिंग ही करनी है तो वैसे क्यों नहीं मिक्सिंग कर ले कालीजर ने बोला कि कोई बात नहीं जाओ आप आप करके देख लो खुद हां आप करके देखो कालीजर ने बोला जाओ आप करके देखो करके देखोगे तभी तो बताओगे तभी तो दुनिया वालों की आंखें खुलेंगी तो ने बोला कि हाँ ये बात तो करके देखना होगा बट फिर विना सर भूल गए खाने में लग गए तो भूल गए फिर तो मुझे इंतजार है कि कब वो करेंगे और फोन करेंगे यार हादसा हो गया तो <laughs> कोई बात नहीं तो वो जब कभी भी होगा देखा जाएगा बट उम्मीद नहीं है कि होगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है ना गैस चूल्हे पर बैठने में तो वैसा नहीं होगा अब यहां पर सीखने को क्या मिला कि चाय जब आप बनाते हो तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होती हैं सुनो ध्यान से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होती हैं चाय पत्ती अकेले खाना हमने आज तक चाय पत्ती को अलग, अलग से जो टी लीव्स होते हैं चाय पत्ती को अलग हमने कभी भी डायरेक्टली खाया नहीं हमेशा उसे चाय पत्ती को जो यूज़ किया हमने चाय बनाने में वो जो मिक्सिंग थी उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो बहुत मज़ेदार था

सारे एग्जाम्पल्स हैं रहे हैं के साथ घूमिए में मज़ा अलग है, तो है। गोवा बीच पे घूमिएगा अगर कहीं मौका मिलेगा तो हेल्दी खुद को तो देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या सीखा यही सीखा कि देखिए ऑर्बिटल जो होते हैं आइटम के पास वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं अब जैसे चाय पत्ती प्योर चाय पत्ती लेकिन हमें तो चाय पसंद है उसमें और भी चीजें मिक्स होती हैं तो वैसे ही आइटम जब कुछ बनाने जाता है कोई बॉन्ड बनाने जाता है तो अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है जैसे हमारे किचन में हमारी जायदाद है क्या चाय पत्ती हमारी जायदाद है हमारे शक्कर दूध वगैरह सब हमारी अपनी चीज होती है हम उनको मिक्स करते हैं और फिर खुद को आनंद देते हैं चाय पिला करके है ना बट विनय सर वाले स्टाइल में नहीं देते हम अपने स्टाइल में चाय बनाते हैं मैं तो कॉफी बनाता हूँ तो कॉफी भी मैं ऐसा भी नहीं करता कि कॉफी का पाउडर लेकर कैसे खा लेता कॉफी खा लिया ना कॉफी गर्म पानी में भाई ऐसे नहीं होता ब्लैक कॉफी हाँ तो मिक्सिंग की जरूरत पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन ऑल अबाउट मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो इसका मतलब क्या है वो क्लियर हुआ जरा बताओ मुझको मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आयो बात तो समझो मां चलो सारे बात सारे लोग एक बार बोलो पहले <laughs> कौन कॉफी इज बिटर बट बिना कॉफी के ना बिना कॉफी के बाइसेप्स नहीं आते ना <laughs> कॉफी से कौन सा बाइसेप्स बनने लगा किसी ने सुना तो नहीं है ना खुला तो नहीं है गेट हाँ कोई बात नहीं तो कॉफी से बाइसेप्स प्रोटीन जो से बाइसेप्स बनते हैं आइयो 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 तो मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आया है अब आप करके देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग होती कैसे है आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन देखते हैं पहले ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है पहले एक बार चैट बॉक्स में फोड़ो जल्दी से क्योंकि ये विनय सर के नाम है तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसमें और काले सर के नाम है. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब जब एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ही बात हो रही है ठीक है देखिए आप पूरी जिंदगी में जब जब लिखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल एओ मींस एटॉमिक ऑर्बिटल सारी दुनिया क्या समझेगी उसको प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं समझेगी मिक्स्ड ऑर्बिटल्स नहीं समझेगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल और देखना हाइब्रिडाइजेशन तुम सीखोगे बहुत चुटकी में तुम्हारा दोस्त एकदम खल्लास कर देने वाला हूं मैं तुम्हारे लिए हाइब्रिडाइजेशन ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे ऐसे उड़ाओगे अभी तुम अगले पंद, दस पंद्रह मिनट में और सारी दुनिया फॉर्मूले लगाती है और पता नहीं दस तरह के बकवास काम करती है लेकिन तुम एलिट ओपीओ और दोस्त के दोस्त इसीलिए तुम्हें फोड़ना है हाइब्रिडाइजेशन ओके सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल या प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही बात होती है दोस्तों गड़बड़ ना कीजिए इसको कुछ और मत समझियो प्योर का मतलब कि जो मिक्सिंग में नहीं गया है ना नॉट मिक्सड एकदम लैंग्वेज क्लियर कर दी जाए ओके okay. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होगा क्यों ऑब्वियसली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अरे यार इसीलिए क्योंकि चाय क्यों बनाते हैं चाय अच्छी लगती है डायरेक्ट चाय पत्ती नहीं खाते डायरेक्ट कॉफी नहीं फाक लेते हम लोग कॉफी कौफ, उठाया और मुंह में जो कॉफी का पाउच खोल लिया ऐसे नहीं करते क्यों क्योंकि पता है यार तब चीजें अच्छे से होती है ढंग से होती है तो वाई हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे ना तो यही एग्जाम्पल देना बोलना चाय पत्ती क्यों नहीं खा लेते हो चाय क्यों पीते हो क्योंकि मिक्सिंग से चीजें अच्छी होती हैं तो यहां पर मिक्सिंग से क्या होता है स्टेबिलिटी और एक बात तो आपके दोस्त ने आपको सिखाई कि के केमिस्ट्री में कुछ भी पूछ दे कुछ भी पूछ दे ये ऐसा क्यों होता है किसी भी टीचर ने स्कूल में पूछ दिया ये ऐसा क्यों होता है आपको क्या बोलना है मान लो कि आपने पूरी क्लास कुछ भी नहीं देखा क्या बोलना है स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी परम सत्य स्टेबिलिटी ओपी एकदम पहुंचे हुए साधु संत के जैसे स्टेबिलिटी ओपी ओम स्टेबिलिटी परम सत्य बस आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है तो वाई हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी ने पूछा दोस्तों तो आंसर क्या है ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए इसका आंसर क्या है भाई ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए फॉर मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग होती है अब मिक्सिंग कार्बन में दिखाना है तो कार्बन में दिखाओ देखो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ समझ जाओ जो साथ साथ चल रहे हैं उनको जादू की झप्पी और जो नहीं चल रहे इतनी देर से प्रेम चोपड़ा के साथ साथ अमरीश पुरी की भी पप्पी कार्बन के साथ आ जाइए वन एस टू टू एस टू टू पी टू ये ग्राउंड स्टेट है लेकिन बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में होती है क्या बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में होती है क्या नहीं होती है तो ग्राउंड स्टेट में बनाना ही नहीं है बॉन्डिंग करने जा रहे हो और ये लेके चल रहे हो ये लेके चलो तो मेरे से दूर रहो मैं नहीं बात कर रहा तुमसे तुमसे क्यों नहीं बात करो अरे तो इतना सिखाया क्यों है टू एस टू टू पी टू टू एस टू टू पी टू करते रहोगे मेरी तुमसे कोई दोस्ती नहीं है दूर रहू से अरे बॉन्डिंग नहीं होती ऐसे वाले में कैसे में बॉन्डिंग होती है चार बॉन्ड कार्बन के कैसे बनते बताओ एक्साइटेशन के साथ बनते तो एक्साइटेशन वाला लिखना है कार्बन 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 से ही हम बने पड़े हुए हम हमारी पूरी बॉडी में ये स्किन ये जो बॉडी के जो हमारे जो ऑर्गेन्स हैं ज्यादातर ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक मतलब क्या कार्बन तो कार्बन को तो जान लो कि चार बनाएगा ही बनाएगा चार बॉन्ड के ही वजह से वही कार्बन की जो आदत के के है एक एक स्किन का पार्ट या हर पार्ट हमारे पता है हमें ऑर्गेनिक से बना हुआ नो ऑर्गेनिक भी है बट ऑर्गेनिक मेनली है तो कार्बन तो अच्छे से सीख लो कार्बन के लिए हमेशा ये काम करना टू एस वन टू पी थ्री दिस इज देशन ड्यूरिंग बॉन्डिंग या ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि hybridization कब 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 हो कब होगा? 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 जल्दी बताओ ये ध्यान खींचने के लिए कर रहा था मैं कब होगा अरे ये तब होगा जब बॉन्डिंग होने वाली होगी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं होता चाय कब पीते हैं जबकि खुद को एक्टिवेट करना होता है ऐसे नहीं होता कि हर वक्त जो ऐसे दो किलो दो दो लीटर चाय रखी हुई है और पी रहे हैं नहा रहे हैं और फेंक रहे ऐसे थोड़ी ना होता है यार एक्टिवेट करने के लिए चाय पीते हैं तो वैसे ही अगर आप बॉन्डिंग के टाइम पर बॉन्डिंग जब हो रही होगी तब जाकर के ना एक्साइटेशन होता है तभी हाइब्रिडाइजेशन भी होता है तो अब आप बॉन्डिंग करते किससे हो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से करते हो ना और हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए होता है बॉन्डिंग के लिए होता है

कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स हो जाए कार्बन का या हो सकता है एक एस और दो पी मिक्स हो जाए या एक एस और तीन पी मिक्स हो जाए तीन तरीके हैं मिक्सिंग के कार्बन के पास अच्छा बिना एस के मिक्सिंग नहीं हो सकती क्यों क्योंकि एस तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसके बिना नहीं होने वाला कुछ उसके बिना नहीं होने वाला कुछ उसके बिना नहीं होने वाला कुछ उसके बिना किसके बिना अरे एस के बिना एस के बिना हो ही नहीं सकता वो न्यूक्लियस के नजदीक है तो एस के बिना तो मिक्सिंग कराओ जैसे ही कराओगे दोस्ती खत्म एस के बिना नहीं करा सकते एस के बिना नहीं करा सकते अच्छा जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए बनेंगे हमें पता है ना ऐसा तो नहीं है ना कि चाय दूध और पानी मिला के चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो है वो चाय पत्ती चाय और चाय पत्ती पानी और दूध मिलाया तो प्रोडक्ट भी बाहर आता है ना है ना मास कंजर्वेशन पता है आपको बस वैसे ही समझ लो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे लेकिन ये सारे क्या थे ये प्योर थे प्योर एस को प्योर पी के साथ मिक्स किया प्योर एस को दो प्योर पी के साथ मिक्स किया, सारे प्योर थे लेकिन एक बार मिक्स कर दिया तो प्योर कुछ बचेगा चाय पत्ती प्योर अलग थी दूध और पानी प्योर अलग थे मिक्स कर दिया तो कुछ भी प्योर बचेगा नहीं बचेगा आज चाय आज जाकर के चाय बनाना कितना यूजफुल है ये समझ में आ रहा है ना तो अगर आपने दो ऑर्बिटल मिक्स किए तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे और वो मिक्स्ड कहलाएंगे वो हाइब्रिडाइज्ड कहलाएंगे यहां आपने मिक्सिंग कर दी मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर दिया और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन किया वहां समझ जाना है कि अब दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे और ये जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शक्ल ऐसे होती है एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हुए थे तो दो नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे दीज आर टू न्यू हाइब्रिडाइज्ड एटोमिक ऑर्बिटल ये मिक्सड है वो सब प्योर थे मिक्सिंग हो गई तो नए बन गए टू न्यू हाइब्रिडाइज्ड एटोमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड टू न्यू हाइब्रिडाइज्ड एटोमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन्हें हम बोलेंगे हाओ है ना और ये प्योर थे ये है पाओ पाओ भाजी ये देखिए पाओ भाजी से हाओ भाजी हो गया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स

तीन बनेंगे ना सबकी शक्ल कैसे दिखाई देगी ऐसी दिखती है एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब बड़ा लोब और छोटा लोब अब कितने बनेंगे तीन। ये पता चला कि आप इससे कंफ्यूज ना कर जाओ तो इस को ऊपर लिख दिया जाए और व्हाइट से लिख दिया जाए अब बताओ नाम बताना नाम बताना पी के दो हैं तो पता है इसका नाम क्या पड़ गया एसपी टू एसपी टू एसपी टू तीन थ्री न्यू एसपी टू हाइब्रिडाइज डायटोमिकर्बिटल देखा ऐसे एस हो से होता है एस से होता है एस से एंड नाउ इसे देखिएगा इसे देखिएगा एक एस और तीन पी है अब कितने बनेंगे बताओ चार बनेंगे अब कितने बनेंगे बताओ चार बनेंगे अब कितने बनेंगे बताओ चार बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे ठीक है फोर sp3 थ्री हाइब्रिडाइज्ड एटोमिक ऑर्बिटल 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ना sp3 ऑसम 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 तो अब कार्बन से पूछा गया ला पेज ऐड करना पड़ेगा कार्बन से ये पूछा गया कि कार्बन भैया आपके पास तो चार ऑर्बिटल है आप ये बताओ कि आपका हाइब्रिडाइजेशन sp कब होगा आप बता सकते हो आप समझो आप ही कार्बन हो आप आंसर कर रहे हो मुझको आंसर करो मुझे आ, अगर मैंने आपसे पूछा आप कार्बन और आपका हाइब्रिडाइजेशन एसपी कब आएगा आप क्या बताओगे क्या बोलोगे कि कभी भी आ जाएगा कभी भी नहीं आएगा ऐसे नहीं बोल सकते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखना ए हटो ना क्यों तंग कर रहे हो मुझे तंग करने लगते छुई मुई सो एसपी हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा दोस्तों अरे आ जाओ आ गया क्या sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कब दिखाएगा ये कार्बन के ऑर्बिटल थे है ना इन्हीं की हम बात कर रहे थे 2s1 2p3 एक s और तीन p अब मैं आपसे पूछ रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा जब एक s के साथ ना एक p मिलेगा किसी भी किसी भी p को उठा लो इस s के साथ किसी भी एक p को मिक्स कर दो किसी को भी px को py को pz को तीन होते हैं ना p किसी को भी मिक्स कर दो जैसे ही आपने मिक्स किया आप कहोगे कि s p अंडरगोइंग मिक्सिंग है ना तो दो पी एटमिक ऑर्बिटल लेफ्ट लेफ्ट कैसे अनमिक्स ये मिक्सड नहीं हुए है ना डज नॉट अंडरगो डरगो हाइब्रिडाइजेशन यह हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए यह नोट करना बहुत जरूरी है डजन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन कितने पी और अगर आप बोल रहे हो एसपी हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक एक एस और पी पी मिला है तो कितने पी बच गए दो नोट करना जरूरी है जो मिक्सिंग हुई उससे दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से वो दिखेंगे ठीक है नए करेक्ट मिक्सिंग की बात तो दो एसपी हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए पता है आपको ये जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ये जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है ना इनका काम है र यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिगमा बॉन्ड यह बनाते हैं यह बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड दीज आर यह बनाते हैं सिगमा बॉन्ड यह सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और यह जो रह गए ना जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा पाए यह बनाते हैं पाई बॉन्ड इनकी इनका काम है पाईबोंड बनाना दैट मीनस अब हमारे पास एक के एफ सी आ गया क्या के एफ सी आ गया के हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड तो जरा मुझे बताओ कि अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स या जिन्हें हम बोलते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या बनाएंगे दोस्तों ये बनाते हैं पाई बॉन्ड्स दिखा ये बनाते हैं पाई बॉन्ड्स इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड के थ्रू सिग्मा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यह बात ये बात है ऐसे बात होती है ऐसे बात चलती है ऐसे बात चलती है ठीक है so, सो हाइब्रिडाइज है अब इसका मजा देखो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ये और भी मजेदार तरीके से अभी application दिखेगा, जरा देखना। Suppose that मैंने तुमको दिखाया अरे यार छुई मुई कितना तंग करते हो यार ये देखना कितने लोग इसका नाम जानते हैं इस स्पेश का जानते जानते नहीं जानते नहीं जानते एसिटाइलिन पता है इथाइन गुड 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 या इथाइलीन? ठीक है अब जरा देखना इस कार्बन एटम को देखो इस कार्बन एटम को आप कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए पा रहे हो देखो यहां एक सिग्मा है यहां पर एक सिग्मा और दो पाई है क्योंकि तीन बॉन्ड है दैट मीन पक्का एक सिग्मा होगा और जो बचे हुए वो क्या होंगे पाई होंगे तो अगर एक कार्बन एटम पर हम फोकस करें कि इस कार्बन आइटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए इस कार्बन एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए आंसर क्या दो तो दो सिग्मा बॉन्ड जो बनाए हैं हमें तो पता चल चुका है दो सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कब बनता है दोस्तों जब एक एस और एक पी मिक्स होता है दैट मींस के इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस है तैयार बन गया अभी तो और इसी तरीके से आप पहचानोगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस आइटम ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा हुआ है और भी चुटकी में पहचानोगे इस कार्बन का आप ट्राई करो इस कार्बन का आप ट्राई करो इसके पास कितने सिग्मा है दो तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम आने वाला है एस क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और दो हाइब्रिडाइज तो तभी आएंगे जब एक एस और एक पी मिक्स होगा ये पता चल गया ऐसे हाइब्रिडाइजेशन आइटम का पहचानना बहुत इजी होता है बहुत इजी होता है ऐसे फॉर्मूले नहीं लगाने लोग फॉर्मूले मुझे बताना अब तो आ, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है आपको यहां बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है बता सकते हो इस कार्बन के पास कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा एक सिग्मा और यहां एक सिग्मा और एक पाई मुई हाँ एक सिग्मा एक पाई ठीक है सो so, तीन सिग्मा बॉंड्स. ये दिखा सबको तीन सिग्मा बॉन्ड्स है हाइब्रिडाइजेशन क्या <laughs> सिग्ग, सिग्ग, अरे, सिग्ग, अरे मेरे लालो क्या बात है अरे धमाल मचा दिया दूसरे वाले का भी एसपी टू ही होगा दोस्तों देखा आप चुटकी में सीख गया क्या क्या और हाइब्रिडाइजेशन है मजा आ ला। जरा एक बार बता देना एक बार मजा आ गई ला मजा आ गई लेना अरे एकदम मजा आ नहीं आना है तो कैसे नहीं आएगा एकदम आ नहीं आना इतना आसान ही है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पढ़ दोगे तो बिल्कुल तो मजा ही आ जाएगा ऐसे ही आसान ही। आपने इतने देर से ध्यान से आपने इतनी देर से ध्यान से देखा है तो सब कुछ तो आएगा ना अब रिजल्ट मेहनत करने का मजा और ये हाइब्रेशन निकालना आसान नहीं है बट आप अभी टफ से टफ एग्जाम्पल बताएंगे फिर भी निकाल दोगे ट्रिक सुनते जाओ अब और भी इजी कर रहे हैं और कैसे इजी कर रहे हैं कितने लोगों को याद है स्टेरिक नंबर का ट्रिक कितने लोगों को स्टेरिक नंबर का ट्रिक याद है ये बताओ कितने लोगों को स्टेरिक नंबर का ट्रिक याद है स्टेरिक नंबर अगर स्टेरिक नंबर वाला ट्रिक याद है ना और छूम अंतर करके बनाओगे कैसे बनाओगे छूम अंतर करके देखो अभी तक लोन पेयर वाला केस नहीं आया था अब लोनपेयर वाला केस आता है तो सब गड़बड़ करने लगते हैं लेकिन कोई टेंशन नहीं आप तो स्टेरिक नंबर पे आ जाओ है ना दिस इज योर बिगेस्ट ट्रिक सबसे हिडन ट्रिक बिगेस्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन अच्छा ये कैसे होगा भाई ये कैसे होगा देखो ना मैंने तुम्हारे सामने H2O बनाया H2O में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं दो

हाँ 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 ऑक्सीजन हाँ, का यस 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 स्टेरिक नंबर इज इस फोर स्टेरिक नंबर इज फोर बस कहानी खत्म देखो स्टेरिक नंबर फोर है ना मतलब के फोर हाइब्रिडाइज एटोमिक ऑर्बिटल आया समझ अब फोर फोर हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या मतलब है एक s के साथ पक्का आपने किसकी मिक्सिंग की होगी थ्री पी की दैट मींस क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है थ्री और चार हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बने होंगे इन चार हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए चार सिग्मा बनाए ऐसे चलो ऐसे ही पता लगाओ हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या है ऑक्सीजन का इसका स्टेरिक नंबर पता लगाओ ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर पता लगाओ स्टेरिक नंबर पता लगाओ स्टेरिक नंबर पता लगाओ

थ्री डन और इसका शेप क्या बताओ पिरामिडल कैसे पिरामिडल हुआ क्योंकि एक लोन पेयर है अगर दो लोन पेयर होता है नंबर में तो दैट इज बेंट बेंट ये बेंट है और हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का वहां भी sp3 है यहां आप नाइट्रोजन का बताओ जल्दी से क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा पहले स्टेरिक नंबर देखो स्टेरिक नंबर यहां देखो जल्दी से स्टेरिक नंबर बताओ मुझको कितना स्टेरिक नंबर है एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड चार स्टेरिक नंबर दैट मींस चार स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3 आएगा डन हो गया इसकी अपनी शक्ल क्या होगी sp3 sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन स्टेरिक नंबर फोर विद वन लोन पेयर दैट इज इररेगुलर स्ट्रक्चर और वन लोन पेयर मींस के ये भी क्या बन जाएगा पिरामिडल हो जाएगा ये भी तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन फोर दिया आपने अब हर जगह हाइब्रिडेशन आप फोर दोगे देखो कैसे और फोड़ोगे और 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 मजे लो और मजे लो और मजे लो को और फॉट डिफिकल्ट करते हैं आप हर जगह बना दोगे क्योंकि आपने ट्रिकी ऐसे सीखी है कि कोई रोक नहीं सकता आपको कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता कोई नहीं है टक्कर में ना पड़े कोई चक्कर में अब कोई नहीं है टक्कर में देखिएगा टफ से टफ करना है टफ से टफ करना है कैसा भी दिया जाएगा आप सब बना दोगे आप टफ से टफ करना है कैसा भी दिया जाएगा सब बना दोगे जरा देखना जेनन का निकालना है और मैंने आपको दिया है एग्जी ओ फोर जरा आप चेक करो तो ओ फोर ओ थ्री देते हैं लोन पेयर के साथ देते हैं आपको लोन पेयर की आदत पड़नी चाहिए थोड़ी एग्जीओ थ्री आप बताना एक्जी ओ थ्री एकदम डैम श्योर आप बता दो तो सही सही बस स्टेरिक नंबर सही निकाल लेना अगर स्टेरिक नंबर सही निकाल दे तो सब खत्म जल्दी यस खत्म स्टेरिक नंबर फोर बिल्कुल परफेक्ट है एसपी थ्री चलो नेक्स्ट एकदम फोर डॉल आपने तो कहने का ही नहीं नेक्स्ट इज एक्टूफ टू जेन का बताना है अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा क्योंकि अब साथ साथ स्ट्रक्चर भी आपका देखते हैं कितना आपको याद है चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर कितना याद है आपको स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं एक्जी ओ टू कैसे बनाएंगे आठ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनन के फटाफट डबल बॉन्ड ओ बना दो क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही खुश रहता है और हाइलोजेंस जो सिंगल बॉन्ड के साथ रहते हैं कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन के यूज कर दिए सिक्स तो बचे कितने हैं एक अब चलो आप स्टेरिक नंबर काउंट करो स्टेरिक नंबर कितना आया जल्दी बताओ एक दो तीन चार पांच स्टेरिक नंबर है फाइव स्टेरिक नंबर इज फाइव अगर फाइव स्टेरिक नंबर है तो एक एस देखो एक एस तीन पी और एक डी की जरूरत पड़ेगी तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है एस पी थ्री डी एस पी फोर नहीं होता एस नहीं होता एस नहीं होता, SP4 नहीं होता। फोर नहीं होता है अरे बदमाशो एस पी फोर नहीं होता है के तीन ही ऑर्बिटल होते हैं कहां हो तुम लोग अरे पी के तीन ही ही ऑर्बिटल होते हैं एक एक का होता अच्छा तुम एस का एस के साथ पी फोर बना रहे हो तो ऐसा क्यों नहीं कर दे रहे हो एस को एस को टू क्यों नहीं कर देते हो एस को थ्री क्यों नहीं कर देते हो क्योंकि एक एक ही एस होता है भाई ये नहीं होते ये नहीं होते तो ये नहीं करना है ये नदी किनारे सांप है ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है क्या चल रहा है, पी -फोर कौन देते है? मतलब बस पी को बढ़ाते चले जाओ तो पी को इनफेनाइट कर दोगे ऐसे नहीं करना है डी को भी लाना है भाई डी है बचा हुआ है डी मैं जान रहा था तुम तो लोग कोई कांड कर दोगे तुम भावनाओं में बह जाते हो भावनाओं में नहीं बहना आराम से भाई आराम से चलिए इसको बताइए सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन बताना है <laughs> नहीं आरुष जी रोंगा तो नहीं लेकिन पक्का कैमरे में घुस करके ना <laughs> पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की आराम से आराम से अच्छे से अच्छे से अच्छे से एस पी फिर से आ गया क्या ओके <laughs> ऑक्सीजन okay. है एक चार फ्लोरीन लगने वाला है चार फ्लोरीन लगने वाला है कितने इलेक्ट्रॉन चले गए के six. चार बॉन्ड और दो बॉन्ड तो एक लोन पेयर भी बचा है अब आप बताओ यहां पर क्या आ रहा क्या है स्टेरिक नंबर क्या आया स्टेरिक नंबर इस बार सिक्स है स्टेरिक नंबर सिक्स इस है स्टेरिक नंबर सिक्स इस है दैट मीनस इस एक एस लेना है तीन पी लेना है और दो डी लेना है, है ना अब देखो यहां पर आप आंसर क्या करते एस पी फाइव एस पी फाइव नहीं कर देना रे बदमाशो पी की औकात नहीं है पी के पास इतनी औकात नहीं है पांच ऑर्बिटल की है ना तो ये आंसर अब आया एस पी थ्री डी टू ठीक है लेकिन ये तो हाइब्रिडाइजेशन है मुझे इसकी ज्योमेट्री भी जाननी क्योंकि सारी चीजें साथ साथ पूछते हैं ज्योमेट्री बताओ मुझको ज्योमेट्री क्या है ज्योमेट्री बताओ ज्योमेट्री बताओ मुझको फटाफट ज्योमेट्री ज्योमेट्री के लिए ये मत देखना

या स्क्वायर पिरामिडल बोल दो डन स्क्वायर प्रिज्म बोलो या स्क्वायर पिरामिडल बोलो ठीक है स्क्वायर या स्क्वायर पिरामिडल होता है यह बात है यह बात है यह बात अब चैलेंज के लिए तैयार अब चॉकलेट क्वेश्चन मारा जाए इस पे हाइब्रिडाइजेशन पे <laughs> अब प्रैक्टिस हो गई तो अब जरा चॉकलेट क्वेश्चन मारा जाए देखा जाए और चॉकलेट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको फटाफट एक बार दिखा दें जिन लोगों को एकदम अच्छे से जो लिखा हुआ जो एकदम इंग्लिश में नोट्स चाहिए होता है उनके लिए बहुत अच्छे से आपके दोस्त ने एकदम लिखा हुआ है नोट्स को देख लीजिए आप बट आपको पहले ही देसी तरीके से एकदम समझा दिया दिल में आपके बिठा दिया है हाइब्रिडाइजेशन को इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और मिक्स करते हुए दिखाया गया कि देखिए ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है ठीक है देख रहे ना अच्छा यहां पर एक पॉइंट है एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करा सकता है लिखा हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी मतलब आपको याद है ना मैंने बोला था कि इंटरमिक्सिंग जब होती है तो वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल की होती है ये नहीं कि एक ऑर्बिटल का उठाया एक ऑर्बिट का उठा करके दूसरे ऑर्बिट के साथ मिक्स कर रहे ना 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 एक्साइटेशन भी ऐसे नहीं होती है मिक्सिंग भी ऐसे नहीं होती है तो जब जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो सेम ऑर्बिट वाले ऑर्बिटल्स होंगे तो एनर्जी का डिफरेंस कम होता है अलग अलग ऑर्बिट के होंगे ना तो एनर्जी का डिफरेंस हाई होगा फिर वहां पर नहीं हो पाएगा इसीलिए लाइन लिखी गई है

जेनन का निकाल रहे हो सेम का निकाल रहे। ये नहीं के पूरे खानदान का निकाल निकालना है। आगे हम पढ़ने वाले उसमें तबाही मच जाती है सारे ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं अच्छा किसका ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है अरे हाइब्रिडाइजेशन में सेम आइटम का मिक्स होता है जब हम ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो दो अलग अलग आइटम के मिक्स होते हैं समझ रहे हो ना विनाय सर का एग्जाम्पल क्या बताया था विनाय सर ने क्या किया था चाय पत्ती को बोला गया ऐसे चाय बनानी तो चाय पत्ती और दूध और पानी और शक्कर सब खा के गाय उसके बैठ जाओ तो वो खुद के साथ हो रहा है दो अलग अलग लोग नहीं कर रहे खुद के साथ हो रहा है खुद के सिंगल एक आइटम के अंदर ये चीज होती रहती है बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे और तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है करण अर्जुन वाला नाता भूल जाना द ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स ऑफ सो आर नोन एज हाइब्रिड शेप इज सिमिलर टू पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के जैसा दिखता है बट पी ऑर्बिटल एकदम ऐसे दिखता है सिमेट्रिकल होता है और ये जो होता है सिमेट्रिकल नहीं होता एक बड़ा और एक छोटा होता है पी <laughs> ऑर्बिटल के जैसा तो होता है बट एक बड़ा और एक छोटा लोब होता है पी ऑर्बिटल में दोनों सेम होते हैं है ना एक्सेप्ट दैट द टू लोब्स आर अनइक्वल इन साइज

जो बिल्डिंग है वो बनाई जा सकती है जैसे पता है कि सीमेंट को मिक्स करके पानी के साथ ही सेटल कराते हैं मिक्सिंग के बाद मजबूती आती है सीमेंट को ऐसे ही लगा दो बिल्डिंग में तो बिल्डिंग गिर जाए तो मिक्सिंग के बाद ही लगाते हैं तो मिक्सिंग से बहुत फायदा होता फिर वैसे ही जैसे मैंने मिक्सिंग सिखाई है वैसे सिखाया गया है वैसे सिखाया गया है वैसे सिखाया गया है वैसे सिखाया गया है जितनी बातें मैंने आपको बोली वो बहुत इनफनाइट बातें बोली यहां तो प्यार प्यार से बातें लिखी हुई है तो टेंशन आपको सब बात सिखा दी है यहाँ पर की आपकी रीडिंग के लिए ये सब है आपकी आत्मा की शांति के लिए है आपके नोट्स के लिए है आपको अंग्रेज बनना है तो अंग्रेजी में सीधे लिख के दिया गया है समझने का काम तो आपने पहले ही कर लिया है एस और पी की मिक्सिंग करेंगे तो ये दो तीन बनेंगे तीन बन जाएंगे और अगर दुखी वाले को मिलाएंगे तो ये अलग अलग बनते हैं यहां पर देखिएगा ये आपको और ये आपको जो है वो अभी एलेवेंथ में ग्यारहवीं में पढ़ना है और जब आप छलांग मार करके जाएंगे है ना बिना बोर्ड एग्जाम के <laughs> अच्छा बताओ आजकल तुम लोग को ताने वाने मिलते हैं कि नहीं तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमको ताने देते हैं कि नहीं यार तुम लोग तो दसवीं के बिना बोर्ड के ही तुम लोग चले गए तुम्हारे टाइम में तो बोर्ड ही नहीं हुआ तुम लोग की तो पूरी मस्ती पूरे ऐश है कितने रिश्तेदारों ने ऐसा बोला जिन्होंने बोला उनका फोन नंबर डिलीट कर दो ठीक है तो ये बाकी सब जो है ना ये सब ट्वेल्थ वाले ट्वेल्थ में पढ़ने हैं तो अभी जो आपको पढ़ने हैं मेनली आपको क्या क्या पढ़ने एस पी पढ़ने एस पी टू पढ़ना है एस थ्री पढ़ना है एस थ्री डी पढ़ना है और sp3 d2 पढ़ना है और sp3 d3 पढ़ना है। ओके okay. है ना देखिए ये सब दुखी आ रहे हैं यहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है ये दुखी वाले और ये एकदम सुखी परिवार वाले ये बहुत मस्ती में रहते हैं एकदम मस्ती सुखी परिवार वाले है ना यस पता है आपको तो ये आपका नोट्स है और हाइब्रिडाइजेशन में सारी बातें जैसे � अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना करके एक आपको दिखा देते दो, दिखाया है ना, तो शायद अच्छे से नहीं आए बट रुक ऐसे तो यहीं पे बना दूंगा मैं, ऐसा दिखाएंगे ना कि आपको जो बिल्कुल मजा आ जाएगा देखिए पूछा जाता है कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन की जब पॉलिंग ने डिस्कवरी की तो आखिर हाइब्रिडाइजेशन समझ में कैसा आया कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे समझ अरे यार देखो मैंने पेज डाला था छुई में तुमसे यही बात पर गुस्सा आता मैंने पेज किया था पेज ही गैप कर दिया हाँ तो 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 बताया ये जा रहा है आपको कि अगर CH4 का स्ट्रक्चर बनाकर के दिखाना है तो CH4 का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के साथ और विदाउट हाइब्रिडाइजेशन

उसने अपने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज किया होगा चार सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मुझे आप में से कौन बता सकता है सीएच फोर का स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर और ज्योमेट्री कौन बता सकता है ये बोलो स्टेरिक नंबर और ज्योमेट्रिक कौन बताएगा स्टेरिक नंबर फोर आया क्या फोर आ गया यस yes, फोर दिया आपने स्टेरिक नंबर फोर है ठीक है स्टेरिक नंबर फोर है तो जरा ये बताओ ज्योमेट्री क्या है स्टेरिक नंबर फोर है तो फिर ज्योमेट्री क्या है ये बताओ शेप नंबर फोर है तो ज्योमेट्री क्या है ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल टर्न ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल टर्न ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ऑसम 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 टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के जैसा दिखना भी चाहिए ऐसा दिखेगा है ना यहां पर सेंट्रल आइटम होगा और ये सब सराउंडिंग आइटम्स होंगे सराउंडिंग आइटम्स होंगे है ना ये आपको याद है ना हमारा ट्राइपॉड कहां गया

109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इसी बात पे पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है? तो तो है शिका लीमा अक्षर सही है लेकिन आपका कितना होता है एक बार बोल दो तो मैं तुमको डांस करके दिखाऊंगा अरे गड़बड़ कर दी चार लिख दिया किसी ने दस लिख दिया किसी ने छह लिखा क्या बात क्या बात है क्या बात है क्या बात क्या क्या बात है क्या बात क्या बात यार नाचना भी मुश्किल है ये जो माला है ना माला जो है वो फुराल मैं नाचता हूं तो साथ साथ माला भी नाचने लगता तो है डिग्री। आपको ना हाइब्रिड ऑर्बिटल रखने होते उसी ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए ज्योमेट्री क्या टेट्राइटल तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना वो ऐसे अरेंज किए जाएंगे इस तरह से अरेंज किए जाएंगे कि उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा सारे सिग्मा बॉन्ड के बीच में एंगल ये आ जाएगा यानी आपको करना क्या है पहले आप ये काम कर लीजिए देखिए ये ये काम कर काम कर कर लीजिए 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 इसे पूरा हटाइए एक जो जो आप करते हैं हैं ना टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल बनाते इस तरह से बना सच्चाई में अब क्या होना है हर सिग्मा बॉन्ड की जगह पर क्या लगा हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल वही हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है इस साइड भी ऐसे ही होगा इस साइड भी ऐसा ही होगा और इस साइड भी ऐसा ही होगा दिख रहा है ये और बड़ा खूबसूरत खूबसूरत लगो छे बहुत लगो बहुत अब देखिए टेट्राइडल कैसे बना तो टेटराडल तो साफ है देखिए टेट्राहाइड्रॉन बन गया ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और सारी जगह पर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा दोस्तों 1.09.5 या बीच में कौन छुपा हुआ है दोस्तों आइए यहाँ पर लगाते हैं हम कार्बन भाई साहब को कार्बन को लगा देते हैं ठीक है ये है कार्बन भैया और इस साइड क्या लगाएंगे यहां पर आएंगे ठुमकते ठुमकते कौन हाइड्रोजन भैया अपना लेकर आएंगे गोलू मोलू वन को हाइड्रोजन के पास है क्या उनके पास वन एस है तो हाइड्रोजन भैया और कुछ नहीं ला सकते गोलू गोलू मोलू मोलू को ले जाएंगे आया नहीं कि टमाटर की याद आने लगी किस किस को टमाटर की याद आई ये बताओ मुझे तो बहुत आई तो वन एस लगा दिया टमाटर लगा दो यहाँ पे फिर यहां पर भी टमाटर लगा दिया हाइड्रोजन वन एस लेकर आया है ना देखो हाइड्रोजन के वनस में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों फिर ना पेयर अप हो जाते हैं तो दोनों को एक साथ दिखा दो एक साथ दिखाने के लिए अक्सर हम ये काम करते हैं कि जहां पर मर्जिंग हुई है वहां पर दिखाने का काम कर देते हैं यहां पर दिखा दो ठीक है साथ में दिखा दो बस कहीं पर भी दिखा दो फिर यहां पर भी आप हाइड्रोजन का वनस लगा दो गोलू मोलू टमाटर लगा दो लगा दिया हाइड्रोजन का वनस लग गया बस अंदर में इलेक्ट्रॉन दिखा दो नहीं भी दिखा सकते हो अरे दिखा दो यार इतनी भी कंजूसी क्या दिखा दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए इलेक्ट्रॉन्स ठीक है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ आ गए हैं और बॉन्ड बन गया है बॉन्ड बन गया है बॉन्ड बन गया है ठीक है बॉन्ड बन गया तो हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया कितने अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझ में आ गया कि अच्छा मिथेन इस तरह से दिखता है और मिथेन के अंदर क्या होता है कि मिथन के अंदर जो कार्बन के जो sp3 होते हैं वो हाइड्रोजन के वनस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के वनस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के वन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं बॉन्ड कौन सा बॉन्ड ना? जल्दी बोलो कौन सा बना से मिथेन अब जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं डिस्कवर हुआ था जब तक हाइब्रिडाइजेशन डिस्कवर नहीं हुआ था तो लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे जरा देखिएगा बस मत क्योंकि पुराने जमाने में लोग बेचारों को नहीं पता था हाइब्रिडाइजेशन से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके बॉन्ड बनाया जाता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं डाला था तब तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से CH4 पता है कैसे बनता था पता है कैसे बनता था ये आप हाइब्रिड करके नहीं बना सकते हाइब्रिडाइजेशन से देखो क्या बात समझ में आती है हाइब्रिडाइजेशन से ये समझ में आता है कि चार जो सिग्मा बॉन्ड बने चारों का नेचर सेम है एक बार बोलो मेरे साथ-साथ यहां जो चार बॉन्ड बने हैं ये चारों बॉन्ड का नाम क्या एसपी थ्री और ones से बने है ना सेम बने है ना ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेम बोल सकते हैं हम ऑल फोर बॉन्ड्स ए चूई मुई आर डी आर आ ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेम ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेम ऑल फोर बॉन्ड आर सेम ऑल फोर बॉन्ड आर सेम इन सी एच फोर सेम इन सी एच फोर लेकिन पुराने जमाने में यह नहीं पता था लोगों को पता क्या लगता था पहले पहले देखो लोगों को क्या लगता था कि कार्बन बनाता होगा बॉन्ड अपने कार्बन का कंफिग्रेशन सोचा पहले लोगों ने वन एस टू है ना टू एस टू और इवन के लोगों ने एक्साइटेशन करा दिया पता है क्या एक्साइटेशन तक बातें पहुंच गई थी एक्साइटेशन तक सबको पता चल गया था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तक बात नहीं पता थी तो लोगों ने कैसे अरे यार ये ऊपर क्यों छुप रहा है यार आल याल जितना भी चाहो अच्छे से लिखना उतना ही जो है मेहनत पड़ता है करना अल्लाह देखो CH4. तो मैं क्या बता रहा था पुराने जमाने में क्या है कि लोगों ने एक्साइटेशन तक की बात तो समझ ली थी तो एक्साइटेशन तक की बात तो आ गई थी लोगों को ये समझ में आ गया था अच्छा वन एस टू होता है टू एज टू सॉ यार टू एस टू कैसे लिखा आ गया यार फिर से यहां पे आना पड़ा मुझको एकदम बिल्कुल मुझे डिलीट करने में ना यार आपके लिए सारे नोटेशन रह जाए इसकी वजह से ना हमें पीपीटी भी लिखना पड़ता है और पीपीटी भी क्या ना डिलीट करना बहुत बोरिंग काम है डिलीट करने के लिए यहां पे लिखो और उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर से डिलीट करने के लिए यहां पर आओ फिर यहां से यहां से माँ वापस जाओ फिर जाकर डिलीट करो यार ये बहुत बोरिंग काम है यार डिलीट जैसे आराम से डिलीट करने का होता है ना स्क्रीन पर वैसे हो जाना चाहिए पीपीटी में आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आप एक प्यार करते हैं देखिए अब जाकर के तीन सौ लाइकस में दिल छोटू हो जाता है पहुंची हुई थी ओके लेकिन हाइब्रिडाइजेशन लोगों को नहीं पता था तो लोगों ने क्या काम किया देखना ऐसी हरकत की तुम अभी जो तुम आगे एडवांस स्टेज पर पहुंचेगा अभी तुमको यह देख के तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन लोगों ने पहले क्या किया हुआ था जब तक हाइब्रिडेशन का पॉलिंग ने नहीं दिया था तब कैसे बनाया था तो ये देखो लोगों ने कैसे बनाया चार बॉन्ड बनाने हैं एक बनेगा एस से और तीन बनेंगे अलग, अलग अलग पी से करेक्ट देखा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो कार्बन का एक एस उठाया टू एस कार्बन का टू एस और हाइड्रोजन भैया लेकर के आए अपना वाला टमाटर देखा बॉन्ड बन गया यहां पर लेकिन पहचानना होगा कि उधर में वो वाला खेलते थे ना कि दो फोटो दी हुई और उसमें डिफरेंस पता लगाओ आपको भी यही काम करना यहां और यहां में डिफरेंस बताना फिर अब देखो एस से बॉन्ड बना लिया कार्बन ने अब बचा पी तो कार्बन ने एक पी उठाना है मान लो ये पी एक्स है और एक्स एक्सिस पे हाइड्रोजन अपना वन एस लेकर के आएगा स के साथ एस ऑर्बिटल जब जब आएगा हमेशा क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड यहां पे दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया फिर कार्बन अपना पी वाई यूज करेगा पी वाई यूज करेगा और हाइड्रोजन इधर से फिर से अपना टमाटर लेकर आएगा और ये बना दिया यहां पे बॉन्ड ठीक है यस और फिर पीजेड यूज करेगा कार्बन अपना पीजेड यूज करेगा हाइड्रोजन इधर से टमाटर लगा हाइड्रोजन कुछ नहीं कर सकता टमाटर खिलाओ तो यहां पर ये लगा दिया ठीक है फिर से सिग्मा बन गया तो टोटल कितने सिग्मा बन गए देखो चार सिग्मा बन गए चार सिग्मा तो बन गए लेकिन यहां पे और यहां पर जो काम हमने किया है उसमें आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखाई दिया ये बताओ सबसे बड़ा डिफरेंस बताओ चार सिग्मा बाउंड तो वहां भी बन रहे हैं चार सिग्मा बाउंड तो यहां भी बन रहे हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर क्यों ज्यादा अच्छा है और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्यों कम अच्छा है ये बताओ ये बताओ जल्दी से किसी ने लिखा है नॉट ऑल आर सेम नॉट ऑल आर सेम बॉन्ड एंगल विनय सर के नाम से ऑल आर नॉट सेम यस देखिए सबसे बड़ी बात है इस साइड ना हमें क्या मिला हमें बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली 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 बताइए क्या लिखने वाले हम बताइए क्या लिखने वाले हैं सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ना पूरा खतरनाक सिमेट्री है इसमें खतरनाक सिमेट्री है यहां पर सारे बॉन्ड की सारे बॉन्ड का नेचर सेम है

तो क्या हल निकाला जाए तब पॉलिंग ने बताया कि देखो ऐसे अगर चलेंगे ना तो हमेशा जो हम गलत ही बनाएंगे एक्सपेरिमेंट कुछ बताएगा थ्योरी कुछ बताएगी थ्योरी बोल रही है कि तीन बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और चौथा अलग होना चाहिए और रियलिटी क्या आ रही है चार बॉन्ड सेम आने चाहिए तब जाकर पॉलिंग ने दिमाग लगाया कि अच्छा कार्बन के अलग ही जलवे हैं ये अंदर ही अंदर हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो चारों ऑर्बिटल अब सेम टाइप के बन रहे हैं एस और तीन पी तीन चारों मिक्स हो गए मिक्स होकर के चार नए हाइब्रिडाइज्ड एटोमिक ऑर्बिटल बन गए और वो जो नए हाइब्रिडाइज्ड एटोमिक ऑर्बिटल है चारों सेम टाइप के वो बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं तब जा करके चारों बॉन्ड सेम बन रहे हैं देखा हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगाएंगे तो सही स्ट्रक्चर नहीं आएगा है ना सो दिस स्ट्रक्चर वॉज रॉन्ग थ्री बॉन्ड्स आर सेम मिथेन में तीन बॉन्ड सेम है थ्री एसपी बॉन्ड्स आर सेम है ना और ये लिख दिया जाए दिस वाज दिस वाज प्रैक्टिकली फाउंड एक्सपेरिमेंटली फाउंड रॉन्ग है ना क्यों रॉन्ग था बताया मैंने इसीलिए क्योंकि ऑल फोर बॉन्ड्स है ना ये एक्सपेरिमेंटली भी यही पाया गया हम उसी थ्योरी को तो सही थ्योरी बोलते हैं ना जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ बिल्कुल सही रिजल्ट्स देती है ठीक है यस वन क्वेश्चन प्लीज जी जी बिल्कुल जी मालिक बिल्कुल जी बिल्कुल बिल -बिल 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 बिल्कुल 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 ला रहे हैं आप ही के लिए ला रहे हैं आ, तो यहां पर हम थे यहां पर हम थे थे क्या हाँ यहाँ पर थे ना ये दिखा दें आपको ये देखिए तो

हाँ लेकिन हमने एक जगह पे ट्रिक का काम किया एक ट्रिक यूज किया है स्टेरिक नम्बर, स्टेरिक नंबर नंबर हम फटाफट -फड़ बता देते हैं हैं हाइब्रिडाइजेशन तो एक काम करते ना कि थोड़ा सा खेल लेते हैं आपके साथ थोड़ा सा मजे ले लेते हैं देखते हैं कि आप जो है फटाफट फटाफट -फड़, -फड़ मुझको ना आपको जाते जाते ये सब बातें तो आप पढ़ ही लोगे बट जाते जाते आपको क्या करते हैं कि दे देते हैं देखते हैं कि आप सही से हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे ना जरा देखते हैं तो

प्लस आयंस की ज्यादा देते हैं क्योंकि आप उसमें गड़बड़ ज्यादा करते हो एन थ्री माइनस सी ओ टू फिफ्थ सी ओ सी एल टू सिक्स एस ओ टू सी एल टू सेवेंथ सेवेंथ एस ओ फोर टू माइनस एट पीओ 4 3 minus 9 h3 three, S plus, 10 xz f3 plus 11 xz o2 f2 12 12 n एच फोर प्लस डन जरा देखते हैं क्या कर रहे हो माइनस बताओ कितने लोगों ने सही निकाल दिया माइनस है है नाइट्रोजन पर चार्ज तब आता जबकि लोन पेयर बढ़ जाता है ये बताया था नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में और इसी सब टाइम पर यह बहुत यूजफुल होती है सब ट्रिक जो आपके दोस्त ने पहले ही बता दी थी स्टार्टिंग में तो दोस्तों वो सब बातें ना जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो फर्स्ट लेक्चर से देख लेना ये सब बातें बुक में नहीं मिलती हैं वो ट्रिक आपके दोस्त की बनाई हुई है

पांच में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो चुका है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री होगा स्टेरिक नंबर हमारा सबसे बड़ा ट्रिक बन गया है स्टेरिक नंबर से हम ज्योमेट्री भी पकड़ लेते हैं और स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल देते हैं एन थ्री माइनस के स्ट्रक्चर किसी को याद है आपको दिया था लुस डॉट स्ट्रक्चर में

sp कार्बन तो के साथ ऑक्सीजन हैगा -फड़ दो, दो डबल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ लग जाएगा कार्बन के चार बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के दो और हाइड्रोजन के एक एक बन गए तो चारो इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के स्टेडिक नंबर तीन है हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू आएगा कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ कार्बन के पास तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी सही है कितने लोगों ने अभी तक पांचों के पांचों सही बनाए एक बार चैट बॉक्स में देखा जाए ऑसम मोस्टली बीइंग क्या बात है फोड़ रहे हैं हाँ आदेश खुशी अक्षत सोलूशन गजब बहुत सही बहुत सही बहुत सही केमिकल बॉन्डिंग में और भी टक्कर दिखनी चाहिए पता है इनाम घोषित किया जा चुका है तीन सौ एक एसओ टू सी एल टू पर आते हैं तो आपने कैसे बनाया दो डबल बॉन्ड ओ फटाफट लगा दिए होंगे दो हाइलोजन लगा दिए होंगे आपने फटाफट क्या कोई इलेक्ट्रॉन बच गया सल्फर का ना तो कितने नंबर नंबर आया फोर है तो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा डन लेकिन स्ट्रक्चर विदाउट लोन पेयर की वजह से टेट्रा हेड्रल आ जाएगा इररेग्यूलर ज्योमेट्री नहीं बोलेंगे एसो फोर टू माइनस कैसे बनाएंगे अरे एसो फोर टू माइनस बनाना आसान है हमने अभी सल्फर के साथ देखा ना कि डबल बॉन्ड ओ बना करके बात चल रही है तो सल्फर के साथ बनाइए डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड दो ऑक्सीजन निपट गए अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर के खुद के दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से लगा दीजिए दोनों ऑक्सीजन जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले हैं पता है कि ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक निगेटिव चार्ज होता है तो लगा दिया हमने एक निगेटिव चार्ज एसओ फोर टू माइनस हो गया स्टेरिक नंबर फोन आ गया और हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री और साथ साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया क्योंकि सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा है फॉस्फोरस पर आ गए फॉस्फोरस में भी, भी वही काम किया डबल बॉन्ड ओ लगाया फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पांच होते हैं दो इलेक्ट्रॉन चले गए एक डबल बॉन्ड के साथ तो अगर मैंने ऐसा कर दिया अगर ऐसा कर देंगे तीनों ऑक्सीजन को अगर तीनों ऑक्सीजन को डबली बॉन्डेड कर देंगे तो वो गलत बात हो जाएगी क्यों क्योंकि फॉस्फोरस मैक्सिमम पांच बॉन्ड अपने ग्राउंड स्टेट में बनाता है तो ग्राउंड स्टेट में जब जब तुम पांच बॉन्ड के साथ बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टेबल ही बनेगा तो आप ग्राउंड स्टेट में ही बनाओ वैसा गड़बड़ मत करो कि फॉस्फोरस को ही नुकसान पहुंचा दो वैसा करने की जरूरत नहीं है तो इसीलिए हम ऊपर जो हमने एसओ फोर टू माइनस बनाया है ना बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहां पर भी बनाएंगे फॉस्फोरस का एक डबल बॉन्ड बन चुका है तो अब तीन ऑक्सीजन लगा दीजिए प्यार से हर वो ऑक्सीजन जिस पे की सिंगल बॉन्ड है उस पर एक निगेटिव चार्ज जाएगा उस पर एक निगेटिव चार्ज जाएगा उस पर एक निगेटिव चार्ज जाएगा इस तरह से तीन निगेटिव चार्ज जो यहां थे वो यूज हो गए फॉस्फोरस के पांच बॉन्ड बन गए और हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया यहां पर भी दिख रहा है कि फॉस्फोरस का स्टेरिक नंबर फोर है तो हाइब्रिडाइजेशन में लिख दूसपी थ्री और चूंकि के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर क्या आ रहा है एकदम सही बहुत सही बहुत बना रहे हो मुझे लास्ट में देखना कितने लोगों के सारे सही हो गए स्त्री एस प्लस पर आते हैं सल्फर के होते हैं छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से पांच होंगे तीन से बॉन्ड बन गया एक लोन पेयर बचेगा स्टेरिक नंबर फोर है साफ दिख रहा है स्टेरिक नंबर फोर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा बट एक लोन पेयर है जिससे ये इेगुलर ज्योमेट्री बनाएगा बाद में तो चेक किया जाएगा कि क्या हाल चाल है अभी बस आप मुझे बताओ क्लास की सारी बात आपको समझ में आई है मैं देख लूंगी नोट्स में आपको कोई बात ऐसी जो आपको तंग कर सकती है कोई बात है, ऐसी फैक्टर्स अफेक्टिंग ओके 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 ठीक है ये देखिए ओके uh, okay. अब जरा देखिएगा एक बॉन्ड एंगल की बात है वो भी मैं बता दूं आपको बॉन्ड एंगल की बात तो उससे क्या होगा कि आपको ना होमवर्क दे दूंगा फिर आगे पढ़ने के लिए तो बात बन जाएगी बॉन्ड एंगल की बात देख लीजिए बॉन्ड एंगल अब बॉन्ड एंगल कुछ केस में बॉन्ड एंगल में ना बहुत दिक्कत आती है टफ क्वेश्चन में अगले क्लास में बॉन्ड एंगल के कराऊंगा अभी जो है बॉन्ड एंगल का टफ क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं सकता जब तक कि आप रिवाइज नहीं करके आओ आज तो टफ क्वेश्चन अगले क्लास में अभी एवरेज क्वेश्चन आपको बता देते हैं बॉन्ड बॉन्ड एंगल एंगल आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया ना तो देखो आप कितने आसानी से निकाल सकते हो कंपेयर कर सकते हो कम्पेयर हाँ जरा देखना बॉन्ड एंगल कंपेरिजन बॉन्ड एंगल कंपेरिजन के लिए सबसे पहले ना मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखना है मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा हमेशा हमेशा, हमेशा क्या देखा करो हमेशा देखा करो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है अब जैसे क्वेश्चन नंबर वन कंपेयर बॉन्ड एंगल कंपेयर बॉन्ड एंगल और दिया गया सीओ टू दिया गया सी एच फोर दिया गया एनएच थ्री आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तीनों का कैसे कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल देखिए जो सीओ टू है उस सीओ टू का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए ज्योमेट्री देख लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन है और लीनियर है बॉन्ड एंगल कितना है सी एच फोर पर आई आपने देखा एस पी थ्री है sp3 थ्री होने का मतलब ही होता है थ्री होने का मतलब ही होता है कि भाई यहां पर नंबर फोर है ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है और वन जीरो फाइव डिग्री है ठीक है इसे देखिए यह भी sp3 थ्री है बट विद लोन पेयर है इेगुलर है एस पी थ्री इरेगुलर है एंड दिस इज कॉल्ड पिरामिडल जब एस थ्री यानी कि जब स्टेरिक नंबर फोर होता है ना और उसमें एक लोन पेयर होता है तो वो पिरामिडल बन जाता है और जो एनएस के अंदर लोन पेयर है वो लोन पेयर रिपल्शन करेगा बॉन्ड एंगल को कम कर देगा वन डिग्री आंसर आ गया हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल सीओ टू में उसके बाद सी में है और फिर किसके अंदर एनएस थ्री के अंदर है देखा ऐसे कंपेरिजन सीखने सो so, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री आपकी अच्छी होगी तो बॉन्ड एंगल बहुत अच्छे से कंपेयर कर पाओगे फटाफट कर पाओगे और नहीं तो फंसोगे बहुत ज्यादा समझे आप है ना तो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड ये सब जो बातें हैं ना वो आपको नोट्स में लिखी है आपको वो पढ़कर के आना है आप पढ़कर के आओगे मैं उस पर अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कैच करते हैं और आज सेशन को लेंदी नहीं खींचते यहां पर बंद करते हैं डन ओके okay? हाँ यस यस एस टू में वन जीरो फोर पॉइंट फाइव लव यू लव यू सो मच लव यू सो मच ऑसम ऑसम अमेजिंग अमेजिंग सो बॉन्ड एंगल का कंपेरिजन ऐसे है अच्छा एक जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछ दू मैं कि अगर सपोज कि कि आपसे ये पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिख दिया जाए अगर हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिखा गया एस पी एस पी टू एस पी थ्री तो आप ये बता सकते हो कि एस एस ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज यहां यूज हुआ था दो ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल तीन में से तो यहाँ पर चार है चार में से एक एस है तो क्या मैं यहाँ पर लिख दू परसेंटेज एस ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या परसेंटेज ऐसा लिख सकते हैं श्योर लिख सकते हैं देखो आप कैच कर लिया आपने यस तो कई बार जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना वो हमारे लिए कई सारे केसेस का ना शॉर्टकट ट्रिक बन जाता है अगले क्लास में परसेंटेजेस को रिलेट करेंगे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हम ट्रिक बना लेंगे अपने लिए तो अगला क्वेश्चन जो 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 है अगला क्लास 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 अगली क्लास भी जो आपके लिए हर ही बॉन्डिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ मत छोड़ो क्योंकि फिर आपकी नहीं तो केमिस्ट्री कमजोर रह जाएगी परसेंटेजेस का एप्लीकेशन वगैरह दिखाएंगे बॉन्ड एंगल के और अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज क्लास को पे बंद करेंगे बट अभी आप मुझको बताओ एक क्वेश्चन का आंसर करो और वही आपका इस क्लास का विनर डिसाइड कर देगा क्वेश्चन है कि परसेंटेज इस कैरेक्टर के ऊपर जाने से या नीचे आने से परसेंटेज इस कैरेक्टर के ऊपर जाने से या नीचे आने से नीचे आने से या ऊपर जाने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है चार्ट बॉक्स में जल्दी बताइए सेशन खत्म होने से पहले आपके पास दो मिनट है परसेंटेज इस कैरेक्टर के ऊपर या नीचे जाने से आप अपनी तरफ से आंसर कीजिए कम से कम वर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती एंगल जो, जो वाला सेक्शन है यहां पर बॉन्ड एंगल का सेक्शन दिख रहा है अच्छा हर बार आपके आपके ये क्वेश्चन जैसे कि आपको लास्ट में जो क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्विंग के लिए वैसे ही लास्ट के क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए आपको खुद से सॉल्व करने के लिए

डीपीपी ओपन नहीं हो रही है लेट मी डू अ मैसेज डीपीपी ओपन नहीं हो रही है वाई लेट मी डू अ मैसेज अगर आपको ऐसा लगता है कि डीपीपी नहीं ओपन हो रही है तो मैं प्यारा अरे मोबाइल ऑफ हो गया मेरा <laughs> और दोस्तों सब दिख रहा है मुझको आजकल प्यार कम होते जा रहा है आपका प्यार कम होते जा रहा है आपका लाइक जो है पाँच सौ भी नहीं पहुंचा रहे हो आप लोग पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा हमारा नीचे जाते बढ़ जाएगा नीचे जाते बढ़ जाएगा इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इंक्रीज परसेंटेज कैरेक्टर डाउन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाने से बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनल नहीं दोस्त प्रोपोर्शनल दोस्तों प्यार कम हो रहा है लेकिन है ना दिख रहा है मुझको लाइक्स कैसे थोड़ा मोटिवेशन लाइक्स जाने चाहिए ना फाइव हंड्रेड बस कोई बात नहीं मुझे आंसर दिखाई दिए मुझे आंसर दिखे मजेदार मजेदार चलिए तो आज कमेंट सेक्शन में आपको विजेता आज की घोषित किया जाता है क्योंकि पिछले एक दो क्लासेस से हमने विजेता घोषित नहीं किया है आज की क्लास में विजेता डालते हैं और आई थिंक दैट कि अब तो हर क्लास में टफनेस आ जाएगी तो अगले क्लास से जो डिस्कशन है वो टफ होने वाला है मतलब मजेदार होने वाला है अब जा करके अब जा करके जो केमिकल बॉन्डिंग की जो सॉल्विंग है ना अब जा करके अच्छी होने वाली है अब जा करके लेवल अप होने वाला है तो अब जाकर के एक्चुअल मजा है सॉल्विंग का अब जो आपने सीखा इसके बाद कोई कैसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वो दिखेगा अगले क्लास से बहुत सॉल्विंग करेंगे बहुत सॉल्विंग और अपने दोस्तों से बताओ देखो आप ना मोटिवेशन दोस्तों आपका प्यार आपकी ये लाइक्स आपके ये पॉजिटिव कमेंट हमेशा जब भी जाया करो कमेंट सेक्शन में ना लिख के जाया करो दोस्त ढेर सारा प्यार आपको ये तो लिख के जाया करो या लिख दिया करो मैं जीतूंगा खुद के लिए लिख के जाया करो पॉजिटिव खुद के लिए पॉजिटिव वर्ड्स लिखो हमारे लिए क्योंकि आप ही के वर्ड्स हमारे मोटिवेशन हम यूट्यूब पर आते क्यों क्या मिलता है यूट्यूब पर आकर के पैसे तो नहीं तो क्या मिलता है प्यार ही मिलता है ना आपका वो लाइक जो वो जो पॉजिटिव बात है वो जो दिल जो आप भेजते हो जो प्यार आप भेजते हो उसी तो खड़े होते हैं ना अपने दोस्तों से बताओ कि वेदांतु इज आउट स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट ये जो तुम देख रहे हो ना ये हमारी आन बान शान है और हम इसीलिए पहचाने जाते हैं इतिहास हमारा रहा है हमने इतिहास पे भी इतिहास बनाया है और आगे भी भविष्य में भी इतिहास बनाएंगे और आपकी भी फोटो लगेगी आपके भी नाम लगेंगे अपने दोस्तों को यह भी बताओ कि वेदांतो प्रो इज एन अमेजिंग लाइव प्लेटफॉर्म खुद भी ट्राई करो अफोर्ड कर सकते हो ले डालो अपने दोस्त का कोड लगाओ एक्स्ट्रा एडेड फीचर होगा मैं अलग से नाम नोट करता हूं और उनको पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से इंस्ट टेलीग्राम पर सपोर्ट करूं मैं अपने टेलीग्राम को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं कि मैं हेल्प कर पाऊं ऑप्टिमाइज इन द सेंस ना कि जो भी वैसे कॉन्टेक्ट हैं वैसी वैसे वैसे लोगों के मैसेज है जो कि अपार्ट फ्रॉम के अलग से आते रहते हैं उनको साइड करके वैसे मैं टेलीग्राम को चाहता हूं कि बिल्कुल फिक्स कर दूं स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब वाले हैं अपने जो लाइव प्लेटफॉर्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जुड़े ही रहते हैं हमारे साथ अलग से सो so, मैं चाह रहा हूँ कि टेलीग्राम को ऑप्टिमाइज करूँ सो दैट कि आप जब भी अपने दोस्त का कोड लगा करके विप्रो लेते हो मुझे मैसेज करो मैं टीम को भी बोलूंगा कि इस बच्चे ने

टमाटर सर, सर सर सब सूर्य सर सब सबके माइक्रो कोर्स आएंगे फायदा क्या होगा अरे जितने भी टॉपिक तुम्हारे कमजोर हो रहे हैं सब फोड़ करके अच्छे करा देंगे तो अच्छी बात ये ये होती है कि कभी टॉपिक कमजोर नहीं होता आपका दूसरा मल्टीपल कोर्सेज मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आपका छूटा नहीं वो नहीं अगर सपोज दर आपने जेई वाले बैच में हो आप तो अगर आपको बोर्ड का कुछ काम करना है तो कभी भी बोर्ड के कोर्सेज लॉन्च होते हैं चले जाओ उसमें बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिए ब्रिज कोर्सेज वगैरह कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है थर्मोडाइनमिक से अक्सर डर लगता है खत्म इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का ऑफर चल रहा है तो एंड वी आर दी ओनली वन बिलीव्स के भाई आपका प्यार और हमारी हमारी मेहनत इतना भरोसा है कि आपको इंप्रूवमेंट प्रॉमिस कर सकते हैं अगर आप रेगुलर आते हो तो पक्का पक्का ये हो नहीं होना है एंड अपने वेदांतों चैनल का लिंक है आप अटैच रहो हमारे साथ अब बताओ आपको आज के क्लास में आपको कौन सा टॉपिक बोला जाएगा अच्छा कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आया और कौन सा टॉपिक आपको डरा गया तनिष्क देख लिया Sir, I have link for Sir, मैंने आपको एक मीम भेजा थी. <laughs> अभी तो फोन ही ऑफ हो गया <laughs> एकदम एक एक फोड़ दिया ना हाइब्रिडाइजेशन में ना लोग जब फॉर्मूले लगाते हैं तुमने तो ऐसे फोड़ दिया मिक्सिंग टॉपिक <laughs> रिया को मैं समझ रहा हूँ क्यों आँ... बी एफ एफ रोहित सर है सच में रोमो रोमो अरे क्या बात है अपर <laughs> में सच में अरे यार रोहित सर को बोलना सुनो ना आज रोहित सर को एक बात बोलना रोहित सर आपका प्रोटीन आ गया क्या <laughs> मत बोलना ये सब सर अगर नोट्स बना रहे हैं सिर्फ आपके हैंड रिटर नोट्स भी एनफ है बता दो गेमर्स नहीं हमेशा काम करो जो जब जो भी बातें अंग्रेजी में लिखी होती है ना उनको अच्छे से देखो जो टॉपिक है ना सपोज दैट हाइब्रिडाइजेशन में कहीं पर सी फोर की बात बताई हुई है तो ये देखो कि मेरे हैंड रिटर में क्या आपको एक्स्ट्रा लगा वो साथ साथ नोट कर दो बस और नहीं कुछ यस आदेश हाइब्रिडेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी है बहुत गलत तरीके से पढ़ोगे तो खराब हो और अगर ट्रिकी अप्रोच से पढ़ाओ तो एकदम मस्त ए? मेरा कोट लगाया है सच्ची एट्थ रैंक इनडेजी और ऊपर जाएगा टी आर तो अच्छे जवाब देता है वंस ब्रीफली एक्सप्लेन शायद शायद ना एक बार वीडियो देख लो शायद और अगले क्लास में जब सॉल्विंग कर रहे होंगे ना मैं पूरी कोशिश करूंगा वैसे रिवाइज करा दूंगा बता बता के ठीक है ओके, okay. सो so, चलते हैं ओके, okay. अभी बाय बोला जाए सायोनारा दिस इज अस्टर डिज मोहिद्रा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय, लव यू टेक केयर आई होप दैट एवरीवन विल टेक केयर ऑफ देर हेल्थ लव यू ऑल सो मच बाय टेक केयर